प्राइड एंड प्रेजिज़स छः दफ़ा पढ़ी हुई है जो मुझे मालूम करना है कि भाई क्यों और पिज्ज़ा और पाइनएपल का कनेक्शन उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता हैरी पॉटर भी वो तीन दफ़ा पूरी सात की सात बुक्स पढ़ चुकी हैं विच आई एम लाइक वाओ एंड सबसे मज़े की बात मुझे जो लगी उन्होंने अपनी शादी का डिसीजन अपने अम्मा अब पे छोड़ा हुआ है ये कुछ अरसे पहले की बात थी मालूम करते हैं कि अभी भी यही हाल है या नहीं है आज हम मिलते हैं दाना नीर से क्या है? है बिल्कुल ठीक मैं honestly मैं मैं मुबीन कहते कहते गई. एक... <laughs> बहुत लंबा लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए नहीं नहीं लंबा नहीं होगा. एकदम से कभी-कभी होता ना आप फ्लो में जा रहे होते फिर अपनी नजर जाती जाते है। हैं मुबीन

मतलब एक बहुत मज़े की एक बात है कि पहले जब मैं जा, जाती थी बाहर एंड व्हेन पीपल यूज्ड टू कम टू मी तो अच्छा आपकी वीडियो वायरल हुई थी पार्टी हो रही है ना. अच्छा पिक्चर्स अब मैं जब जाती हूँ तो द सेम पीपल देर लाइक क्या आपने क्या एक्टिंग की है सिफेहन में और सैदा सिद्रा में बहुत पसंद है तो आई लव हाउ यू नो आप रेकग्नाइज होते हो अपने yeah, काम से परसेप्शन yeah, yeah. ये फेम तो पहले भी थी मतलब yeah. yeah. लेकिन अब जब आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग बिकॉज वो आपके काम पे आपको अप्रिशिएट करें आपके अच्छे काम पे आपको अप्रीशिएट yeah. करें तो आई थिंक दर इज इट्स इट्स अ वेरी डोंट टेल आपको video. भी ऐसा लग रहा था कि वो जो वीडियो वायरल हुई थी मतलब इन द सेंस की जो भी आपने स्टेटमेंट दी है उससे कि यू ऑल्सो थाट कि इट्स नो बिग डील देखिए जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो वो वीडियो अगर आप देखें उसको तो इट इज जस्ट फाइव सेकेंड वीडियो इच ड उट अ लॉजिकली राइट मैंने वैसी मजाक में yeah, डाल दी yeah. उसमें वैसे आई वॉज मेकिंग फन ऑफ द एक्सेंट इज़ वेल माई सेल्फ तो वो मैंने खुद भी मजाक में डाली लेकिन yeah. बस वो कुछ अल्लाह की तरफ से होना होता है तो वह हो गया yeah. तो अब मतलब दिस आई थिंक नाव जब वन पीपल कम टू मी तो मुझे पता है कि वो मेरे काम को देख के मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं mm. उस वीडियो में मेरा कोई टैलेंट या मेरा वो कुछ नजर नहीं आ रहा था राइट जिससे मुझे लोग कहें कि अच्छा नहीं आपने तो बहुत अच्छा काम किया उस वीडियो में कुछ वैसे नहीं था mm. तो आई मीन इन ऑल ऑनेस्टी टू बी वेरी ब्लांड अबाउट इट अभी जो मेरे पास लोग yeah. आते हैं और तारीफ करते हैं तो आई फील गुड कि ओके okay, ये लोग मुझे मेरी काम की वजह से मेरी तारीफ कर रहे हैं ये सोच अभी भी है ये सोच उस वक्त भी थी या ये सोच अभी आई है एक डेढ़ साल में उस वक्त जब लोग आते थे तो इट वाज वाज सच न्यू फीलिंग कि मुझे आई लाइक उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र था कि आ तो नी, नी, प्यार रहे नहीं नहीं वो सब सही है बट मैं आपकी अपनी सोच की बात करी उस वक्त आपको ये फील होता उस वक्त नहीं था उस वक्त ओवर उसके बाद जर्नी ऐसा है जिससे आपने सीखा है नो डाउट नो डाउट आपने doubt. मुझे जीत लिया एक छक्का आप ऑलरेडी लगा चुकी हैं क्योंकि आपने इतनी ऑनेस्ट ऑनेस्टी से आप इतनी खूबसूरत बात की है आई रियली अप्रिशिएट इट क्योंकि um, अब मैं पता क्या बोलने वाली थी सिद्रा डैट कि दाना नीर इट्स नॉट ईजी कि आप ये बात एक्सेप्ट करें पब्लिकली और बोलें um, कि नहीं आई रियलाइज इट कि वो बहुत अच्छी चीज़ थी उसमें कोई बुराई नहीं थी बट ये

फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करो ना yeah. आपको वर्बली वो समझ नहीं आता तो मैंने अब्बा को कॉल करके कि अच्छा अब्बा आपने भी ये किया हुआ है तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं ही था कॉल कॉल ऑफ कोर्स मैं मतलब okay. मैं अब्बा तो को तो इसी तुक्के में जा वाला था मैंने तो सही लगा लिया सही तुक्का <laughs> लगा मैं अब्बा को वैसे रोज ही कॉल करती थी टू अपडेट हिम अबाउट माय डे एंड एवरीथिंग राइट फिर मैंने उनसे वैसे भी गाइडेंस लेती थी बिकॉज ये सारा उन्होंने किया हुआ है तो ही नोज़ के कैसे नोहा है उनको सारी चीज़ों की तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे वर्बली तो बता दिया लेकिन वैसे मतलब जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते तो हम लोग हम मैं हम सारे जो थे मैं सजुल सायरा साराबरा रमशा अगर मैं किसी का नाम जो, के। आप में से जो भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है ना वो किसी एक का भी बोला तो, exactly. तो हम सब हम लोगों ने एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन किए जस्ट लर्न द टेस्ट ताकि स्क्रीन पे हमारे में और एक एक्चुअल एल में जो लेडी hmm. कैडेट है उसमें फ़र्क ना पता चले okay. ताकि पता ना चले कि ओके वर नॉट रियल कैडेट्स राइट तो हमने ऑफ़ कैमरा उसकी बहुत प्रैक्टिस की कमरों में जाके hmm. दस दस घंटे के शूट के बाद कमरों में जा wow. के हमने प्रैक्टिस oh, की लॉबीज़ में कॉल करके कि अच्छा इस सलू टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं और इतना नर्वस कि ओ जब सीन शूट हुआ मैं और ताशी हम इतने प्रेशर में थे कि जो ही हमारा कट हुआ सीन का हो गया oh. आई वॉज क्राइंग माई आईज आउट यू हैव नो आईडिया मुझे खुशी मैं, मैं... से या से <laughs> खत्म हो गया डर से अच्छा क्योंकि हमारे सामने जो खड़े हुए थे oh. ना oh. आ, आर्मी ऑफिशल oh. oh. जिनके सामने हमने स्लू टेस्ट करना था oh. उनको देख के लगता था कि ये तो होगा ही टांग ही नहीं उठेगी ऐसा oh. उनका रोब और प्रेशर था राइट इवन दो अगर so हम ना करते सही तो ठीक तो oh. हो जाता है हम एल नहीं है

मुझे लगता है मुझे मुझे लगता है मुझे सबसे सब ज्यादा टाइम लगा था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ मुझे आई थिंक मुझे लगा था मैंने पाँच से छः के जाती थी कुछ गलत हो जाता था वुड रन बैक मैंने कहा जब तक सेट नहीं होगा मैं नहीं चाहती कि कट कट में लगे mm -hmm. मैं चाहती हूँ कि एक mm -hmm. ही गो mm -hmm. में पूरा yeah. बिल्कुल सही हो उसमें अगर आपने कट डाल लें तो ठीक है yeah. तो आई वुडेंट लाइक मैंने हार नहीं मानी बहुत उसकी वजह से और प्रेशर था कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा और लेकिन फिर हो गया और फिर चौथी दफ़ा जब जा रही तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा यार चार दफ़ा कर चुकी हूँ लगता है अब नहीं होगा और था फिर था। ये था ना कि सब खड़े हुए हैं सामने बड़ा सा ग्राउंड है सब सामने खड़े हुए हैं नितिन भाई सब खड़े हुए हैं और सबके सामने परफॉर्म करना है और प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो वो एक टेस्ट एक्चुअल में टेस्ट भी था तो फिर मुझे लगता है आप लोगों को तो बड़ी ट्रीट मिलनी चाहिए मेडल मिलने चाहिए आप सब लोगों को और पता है हमें मिले हैं

तो अब्बा ने कुछ बोला कि बेटा आप तो तुम्हें समझ आएगी मजा आने वाला है तुम्हें अच्छा प्रिपेयर किया मैंने से ने? बताया ही नहीं ना वो जब हम गए हाँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि अच्छा कल ये सीन है तो इसमें हम ये ये तो स्केड्यूल हाँ। हमें बता रहे थे कि अच्छा ये 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 हमने हाँ। सिक्वेंस शूट करने हैं तो अच्छा इसमें पैराग्लाइडिंग है आपने पैराग्लाइडिंग करनी है इसमें ये सलूट टेस्ट है इसमें आपने क्रॉल करना है इसमें आपने ये सोल्ट कोर्स कम्पलीट करना है तो वहां पर उधर जाके पता चला तो मैंने जब अब्बा को बताया अब्बा वॉज लाइक

फ्राम स्टार्ट एंड वी हैव टू रन उसमें हमने अपनी राइफल्स पहनी हुई थी पच्चीस चौबीस के जी की आई एम नॉट रॉन्ग हमने बैग्स तीन चार पहने हुए थे वो सीन भी आएगा वो आप लोग देखिएगा बैग्स hmm. पीछे इधर वो, वो बैग्स पहने हुए थे राइफल तो वी वर ऑल लाइक यू नो और इतने बड़े बड़े हेलमेट पहने हुए थे उसके साथ मुँह पे मिट्टी लगी हुई है और हमने भागना है कहीं से जंप मारनी है सॉरी <laughs> <नी, it's okay. laughs> <laughs> कहीं से जंप मारनी है कहीं से हमने अंडरग्राउंड टनल से गुजरना mm. है और मुझे क्लास्ट्रोफोविया भी था कुरा के साथ भी बहुत वो हुआ था शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लास्ट्रोफोविक mm. तो वो इट वॉज एक्सट्रीमली टफ एंड इट वज स्वेल्ट्रिंग हॉट तो जब वी केम बैक फ्राम देट शूट और हम आए वापस बैठे आई बर्स्ट आउट क्राइंगज़ आई मिसड मॉम मेरी खाला wow. मेरे साथ ही थ्रू आउट अलहमदुल्लु शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम फॉर मी बट मॉम ममा मैं बैठी और मैं रोना शुरू हो गई मेरे ममा इतनी मुझे याद आई कि होता है ना कि इतने हेक्टिक दिन के बाद यू जस्ट वांट टू गो हग योर मॉम वो एक सुकून मिल जाता है कि ओके मॉम लाइक दिस हैज हैपेंड एंड कंफाइड इन मॉम एंड जस्ट बस आप बोलते जाए बोलते, बोलते जाओ कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ एंड शी हग्स यू वो आपको जोर से गले लगाती हैं और बस आप कहते हैं कि बस Yeah. Oh, yeah. है, yeah. हाँ तो उस वो दिन बड़ा इमोशनली चैलेंजिंग था yeah. Yeah. Okay, तो आपकी अम्मी का की जीन्स आपने थोड़े बहुत आए हैं वो बड़ा ड्रेसअप होती थी और सब कुछ तो उन्होंने ये कैरेक्टर अप करने में या सैयदा सिद्रा को कैरेक्टराइज करने में आपकी कोई हेल्प आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो बिल्कुल मोस्ट डेफिनेटली जब मैं गुजरा वाला वाले स्पेल में ना मम्मा मेरे साथ थी अच्छा उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई है हैदराबाद में माय डैड इज कमांडेंट वहाँ पे ना तो हम मूव शिफ्ट पूरा सारा तो शिक्रेंट बी विद इन दी आप स्पेल तो मेरी खाला मेरे साथ आ गई इस वजह से तो उसमें जब गुजरा वाला मैम इकट्ठे थे तो मम्मा एवरी डे मम्मा कहती थी मैं अपनी मेरे से yeah. पहले मम्मा मेरी लाइन्स पढ़ती थी okay. अच्छा, ये 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 है इसको ऐसे कर सकती हो इसको ऐसे कर सकती हो अच्छा इसको ऐसे बोलना ये ट्राई करो वो ट्राई करो yeah. मेरे से ज्यादा yeah. अच्छा, फिर वाले स्पेल में मेरी खाला मुझे कहती थी अच्छा इसको ऐसे ट्राई करो इसको ऐसे ट्राई करोज़ टू वीडियो कॉल मॉम लाइंस भेज के ऐसे ऐसे है

सर भी खास अंदाज होते हैं ना बॉडी लैंग्वेज भी है एक्सेंट तो है ही है यू नो आंखें भी आई फील अब जैसे अभी वाला जो लानत वाला सीन था फालतू दूध का डब्बा तो यू नो द वे यू मूव योर आईज और यू नो गर्दन को भी तो ये बड़ी बारीकियाँ हैं ये लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में ऐसे ही कि सैदा सिद्धा को या ये आपने खुद नदीम बेग साहब के साथ बैठ के किया या ये अम्मी के साथ बैठ के किया मुझे थोड़ा सा शेयर करें हाउ डिड यू डेवलप सैदा सिद्रा अच्छा तो इन द स्क्रिप्ट आई वुड ओनली रीड माय लाइंस बट स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था कौन है सैदा सिद्रा ओके सो शी इज क्यूट फुल ऑफ लाइफ लविंग कैरेक्टर हु इज ऑल्सो वेरी डम समाइम बट शी इज नॉट शी इज नॉट स्टूपेड शी इज जस्ट वेरी नाइव चीज इन में रहती है चीज़ बहुत मासूम सा कैरेक्टर है अपनी दुनिया में रहती हुँ. है फन uh, लविंग है बस उसको द, द, दुनिया अच्छी लगती है hmm. उसको बुरा नहीं नजर आता दुनिया hmm. में जैसे वो थी जो हमारी मैडम सा, सामिया थी हाँ. वो कह रही थी आप खाए पिए में आपका मकसद ही आपको खिलाना है तो वो कह रही थी कि क्या बात है, है।, है और उनका असल में मतलब क्या था वो बाद में पता चल रहा है हाँ तो वो उसका वो खुद अंदर से बहुत अच्छी है तो उसको लोगों में अच्छा नजर आता है बस उसको कलर्स पसंद है सजाना संवरना कमरे जैसे उसने कमरा उसने सजाया तो मतलब जब मैंने पढ़ा तो इट वॉजो क्वाइट क्लोज टू हू आई नेचुरली आई एम एज वेल तो आई थिंक मुझे लगता है इस कैरेक्टर में मुझे उस चीज़ ने भी हेल्प किया hmm. फिर उसके बाद ऑफकोर्स uh, हर सीन के साथ साथ जहाँ मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी करेक्टर को कैरी करने में आई वास नीम भाई एंड वुड गाइड में फिर ममा की बहुत हेल्प है फैमिली की पूरी फैमिली की एक्चुअली लेकिन ये करना कि मैं इस तरह बात करूँगी मैं सर ऐसे हिलाऊँगी और मैं थोड़े बॉडी को ऐसे बिकॉज वो वो ये नहीं कि आप हर सीन में चेंज कर रही हो वो एक कॉन्स्टेंट चीज़ चल रही है बिकॉज़ वो लड़की ऐसी नहीं जैसे अगर मैं अगर मैं ऐसे करके मेरे बाल लंबे हैं या मैं ऐसे करके बात करती हूँ तो मैं ज़िंदगी में ऐसे ही बात कर रही हूँ ना तो सैदा सिदरा का भी है, yeah. ये है कि हाँ ये है कि कहीं बहुत चीज़ प्रोनाउंस्ड होगी जैसे वो फूल चुड़ाने जाती है तो एक डिफरेंट है जब वो उससे अपनी दोस्त को सुना रही होती है क्या कमरे में गंद भी है मुझे ख़ुद साफ करना है तो एक और चीज़ उसकी प्रोनाउंसड है लेकिन वो बेसिक जो क्वालिटीज़ फ़िज़िकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वो कैसे आपने डेवलप की वट मेड यू वट इंस्पायर्ड यू दिसक दिस फील दिस दर विटल टू नो इंस्परेशन इफ आई एम बींग ऑनेस्ट पता है okay. uh, ये ऐसे ही था कि मैं डायलॉग पढ़ती थी और खुद तो आता था और बस वो वो इट वुड नेचुरली फ्लो लाइक दिस कभी okay. भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बैठी हूँ सीन से पहले कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं इस कैरेक्टर को मैंने ऐसे ही करना है hmm. बस ये मुझे सिर्फ एक चीज़ थी जो मेरा कॉन्सेंट्रेट जिस चीज़ पर मैंने सबसे ज़्यादा किया वो मेरा एक्सेंट था क्य okay. okay. मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी डायलॉग में कम हो ज़्यादा हो yeah. मैं चाह रही थी कि लोगों को यकीन हो जाए कि अच्छा ये hmm. पठान नहीं है ये है ही पंजाबी लड़की किज़ आई मे पठान बट आई वॉन्ट कौन है पी एम उससे पहले कभी गई थी जब वहाँ पहुंचे तो क्या लग रहा था कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड था किसको कौन ज्यादा इमोशनल था सब सब एक्साइटेड थे बिकॉज एक ऐसी जगह है इज़ नॉट ओपन फॉर हैडी राइट टू बी देयर इज़ अ एज इट इज़ एन ऑनर टू बी ऑन दैट ग्राउंड वहाँ पे हमारे शोहदा रह चुके हैं वो उन mm -hmm. रोड्स पे वहाँ पे तो इट इज़ एन ऑनर ऑनेस्टली टू बी देयर मैं अब्बा की वजह से पहले जा चुकी हूँ वहाँ पे हम रह भी चुके हैं हाँ हाँ हमारे अगर कोई इवेंट्स होते थे वैसे भी अगर हमने जाना होता तो so, वो पासिंग परेड्स आपने देखी या yeah, yeah. तो बट दिस टाइम वॉज डिफरेंट क्योंकि इस दफा मैं आई वेंट ऑन माई ओन एंड आई वेंट विद ऑल ऑफ दिज पीपलट माई फादर्स डॉटर मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी नहीं थी आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कास्ट तो वो एक डिफरेंट सी फीलिंग अब्बा के साथ आते थे तो वो ऐसे नहीं फील होता था कि ओम माई गॉड भी आ गए और ये mm -hmm. और वो ठीक है नॉर्मल है जैसे हम yeah. हर अपने कैंट में जाते हैं मेस में जाते हैं इस तरह mm -hmm. नॉर्मल था लेकिन mm -hmm. जब इस दफा में गई तो आई रियलाइज हिट किया, वो. किया कि हम जो चीज को बहुत फॉर लेते हैं इट्स नॉट मतलब जितनी दफा भी पी एम ए जाऊंगी मेरे लिए उतना ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो जगह ही ऐसी उस जगह की फील ही नहीं बंदा डिस्क्राइब कर सकता क्योंकि वो एक एक हिस्ट्री जो है उस जगह की और जब आप सोचते हो जब वो पासिंग आउट परेड की जो आप स्पीच सुनते हैं ना मतलब कोई बहुत ही सख्त दिल इंसान होगा जिसको रोनाना आए yeah. तो वो एक जज्बा जो आपके अंदर आता है ना एक पेट्रियटिज़म आती है यू थिंक ऑफ द मैन हु आर फाइटिंग फॉर योर सेफ्टी जो बॉर्डर पर हैं क्योंकि yeah. मेरे अब्बा खुद बॉर्डर पर लड़ चुके हैं

कोई बाहर से अगर कोई आए तो उसको नहीं पता कि आप इस रोड पे नहीं चल सकते या इस रोड पे आप तेज़ नहीं चला सकते या इस रोड पे आप गाने नहीं चला सकते yeah. बताना पड़ता है तो उसमें मतलब लाइक आईवर्ट से कि अच्छा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एफ कोई ऐसे नहीं हुआ कि हम नहीं क्यों हम क्यों नहीं एवरीबॉडी वाज वेरी कोऑपरेटिव कि ओके ठीक है वी वी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दिस प्लेस द प्रोटोकॉल्स डेकरम ऑफ द प्लेस तो तो जब कैडेट्स गुजरते थे आपको पता है मेरे साथ क्या, क्या हुआ नहीं मुझे नहीं पता <laughs> 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 मैं नहीं नहीं तो आपके साथ <laughs> मैं बताती हूं मैं इसे पूछने की कोशिश कर रही हूं आप सोचिए एक अनइमेजिनेबल सा एक सिनेरियो मैं हम वापस आ रहे थे शूट से और बहुत सारे ना कैडेट्स मेल uh, कैडेट्स अब uh, गुजर रहे जी सीज उनको कहते हैं जेंटलमैन के अब हम गुजर रहे हैं और काफी उनका ना बंश जा रहा है एंड आई एम वॉकिंग पास दम और मुझे पीछे से आती है पार्टी है पार्टी राम नायक एक मिनट एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रेली और फिर कैसे oh. और मतलब पीएमए के अंदर oh. वो तो दुनिया यूर कट फ्रॉम वर्ल्ड ना oh. मतलब आपको एक दिन में एक दफा हफ्ते में एक दफा फोन मिलता है oh. मैं यही सोचती थी होता oh. वो है? oh. तो हैरान परेशानी चार oh. लोग ना oh. तो ये एक बड़ा वो था नॉट अलाउड ओके इंटरेक्शन इज़ नॉट अलाउड तो बस okay. वो दूर से जो चैलेंज किया था सिद्रा को करने का अच्छा चैलेंज एक था और वो था कि मैंने कभी भी इतना काम नहीं किया एक साथ मैंने कलेब्रेशन किए हैं मैंने ब्रांड एंडोर्समेंट्स किए हैं मैंने वीडियो शूट्स किए किए हुए हैं लेकिन मैंने कभी इस इंटेंसिटी की शूटिंग नहीं की Okay. Uh, एक तो ड्रामा शूट है ही डिफरेंट मैंने पहले कभी नहीं शूट किया हुआ था तो वो एक ट्वेल्व टू ट्वेल्व वो एक है आपका कि आपने सेट पे काम करना है जो भी रिक्वायर्ड है आपसे <clears throat> दूसरा इसमें एक और बड़ा एलिमेंट ये था कि इसमें आर्मी की ट्रेनिंग इन्वॉल्व yeah. थी राइट right? और mm -hmm. कोई हम पे कोई आसानी नहीं थी हमारे साथ कि नहीं ये mm एक्ट्रेस -hmm. है, हैं तो इनको आराम से जो एल सी कर रही थी हमने एग्जैक्टली exactly वही करना था सलूट टेस्ट भी हमसे वैसे ही लिया गया जैसे किसी एल से लिया जाता है mm -hmm. क्योंकि डिफ्रेंस नहीं नज़र आना चाहिए yeah. था तो जो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मुझे मतलब एग्जर्ट बहुत करना पड़ा अपने आप को आपको शॉट इतनी इंटेंसिटी से पहले ट्रू आपको तो एकदम से वो डीप डी में है थैंक गया बिल्कुल कोई वो थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है so uh, कहने को नहीं समझ आ रही बट ये बड़ा वैलिड पॉइंट है बिकॉज आप एक सर्टन काइंड ऑफ कॉन्टेंट की आती थी और आपको एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ पे डाल दिया आपका जो कैरेक्टर है वो रिलीजस बैकग्राउंड से दिखाया है और ये हाईलाइट किया हुआ है ये स्ट्रेस था या ये आई वॉन्ट से स्ट्रेस था बट ये कंसर्न था कि मैं उसको एक जो उसकी रिस्पेक्ट है या जो उसकी Uh, एक डिग्निटी uh, 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 है उसके साथ मैं प्रेजेंट करूं और कहीं मुझसे कोई चीज़ गलत नहीं हो जाए ये जहन में आपकी कंसर्न था वॉज दैट यू कंसिडर देखिए विद द हिजाब आई थिंक दर इज ह्यूज़ रिस्पॉसिबिलिटी ऑन यू राइट वो एक थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई होप आई डू जस्टिस टू द हिजाब टू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ दिस कैरेक्टर Uh, लेकिन अलहमद आई न्यू कि लिखा हुआ भी ऐसे खूबसूरती से था लाइंस भी इतनी अच्छी hmm. थी कुछ इसमें कुछ कोई नहीं था hmm. तो आई वजेंट वरीड अबाउट दैट आर ऑल कि नहीं कुछ गलत हो जाएगा और hmm. इस तरह यू नो अनएथिकल वो लिखा हुआ ऐसे नहीं था और ना परफॉर्म ऐसे करना था वो साथ साथ गाइडेंस भी मिल रही थी बड़ों की hmm. तो वो वो दैट वॉज टेकन केयर ऑफ़ ओके ओके और कुछ चीज़ें हैं um, सैद सिद्रा की आपको लगा कि वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर रही हैं ऐसे कैरेक्टर्स को जो लोग थोड़े से रिलीजन हो रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड हो या हिजाब लेते हो आपको लगा कहीं ये फ़ील हुआ हम um, देखिए थोड़ा बॉर्डर लाइन है कॉमेडी और इस चीज़ में सदा सिद्रा का जो कैरेक्टर है ना शी इज़ वेरी रिलीजियस बट शी इज़ ऑल्सो वेरी फन तो आई कैन अंडरस्टैंड जहाँ वो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो रिलीजस uh, लोग होते हैं उनको स्टीरे टाइप करते हैं कि वजीफ़े पढ़ते mm -hmm. हैं mm -hmm. और हर चीज़ पर फू फूके इसमें थोड़ा सा एग्जेजरेटेड कॉमेडी है बट आई डोंट थिंक इट्स टाइपिंग आई थिंक एक्जेजुरेटेड कॉमेडी है टू गेट यू नो टू कॉमेडी एलिमेंट हाईलाइट करने के लिए

ये पहली दफ़ा थी और आप मेरे आई स्टडी फ्रॉम ए तो मेरे जो बुक्स थी ना उसके पीछे कौमी तराना wow. और उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई okay, थी okay. तो किस इट्स नॉट इन उर्दू तो वो भी पढ़ पढ़ा हुआ है लेकिन जब ये सीन हुआ ना hmm. और आई थिंक आई वुड क्रेडिट शेर यार मुनावर फिर दिस कि उन्होंने जिस तरह उसको डिलीवर किया yeah. जिस स्ट्रेंथ और पावर के साथ उन्होंने उसको डिलीवर किया कि वो पेट्रियटिज़म उनके एक एक लफ्ज से झलक रहा था तो आई थिंक उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दैट हैड अ डेफिनेट इम्पैक्ट ऑन एवरीबडी नॉट जस्ट मी बल्कि सब yeah. हम सारे थे कि ओह yeah. ये मफहूम है इसका दिस इज़ हाउ डीप ऑल ऑफ दीज लाइन्स आर इट्स नॉट जस्ट यू नो यू जस्ट कॉन्ट सिंग इट लाइक दैट एंड ब्रश इट ऑफ लेकिन इसका एक बहुत डीप मतलब है तो ये डेफिनेटली हिट हुआ था पूरे एक्सपीरियंस है खान का जो एक्सपीरियंस है उसने आपको कैसे चेंज किया है चेंज किया है या नहीं किया चेंज मैं चेंज नहीं कहूँगी hmm. uh, अभी तक मतलब कोई एक थाट uh, प्रोसेस में कुछ में कुछ डिफरेंट तरीके से आप सोच रही हो या कोई एक चीज़ लर्न कर ली हो या आपको लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव ऑन समथिंग जो है वो एक गुड पॉइंट परस्पेक्टिव मेरा डेफिने चेंज हुआ है अबाउट द मीडिया इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रील डेफिनेटली क्योंकि उससे पहले मैं सब एक्टर्स एक्ट्रेस से mm -hmm. मिली तो थी आई हैजल सेटिंग्स लेकिन कभी काम नहीं किया mm -hmm. और वर्क पर, और पर्सनल सेटिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं mm -hmm. जब मैंने बिफोर गोइंग ऑन सेट मैं बढ़िया डरी हुई थी कि कैसे होगा मैं अपने कमरे में ही रहूँगी mm. ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करूँगी पता नहीं कैसे होगा मैं नहीं चाहती कि मैं भी यू you नो know? yeah. तो लेकिन जब मैं गई एंड आई इंटरक्टेड विद एवरीबडी तो mm. वो एक होता है ना कि आप जब देखते हो लोगों को स्क्रीन पर तो वो आपके लिए पेडिस्टल पे बैठ जाते हैं yeah. लेकिन जब आप उनसे ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह बात करते हो तो आप कहते हो कि अच्छा ये तो मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान mm. है तो मैंने जब सबसे बात की तो दे ऑल ऑल ऑफ देम माशाल्लाह टर्न आउट टू बी सच ग्रेट ह्यूमन बींग्स वो इतने सब अच्छे थे और इतना अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा और सिर्फ इंडिविजुअली नहीं बल्कि जो पूरे सेट का माहौल था एक सेफ इन्वायरमेंट था जो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिस वजह से किसी भी बच्ची के माँ बाप डरेंगे yeah. उनको इस इंडस्ट्री में भेजने के लिए सेफ़्टी सबसे yeah. बड़ा एलिमेंट yeah. है तो वो एक चीज़ इतनी एक सुकून मिल गया कि अच्छा ये तो बहन भाई वाला माहौल है ये तो hmm. नदीम भाई बिल्कुल मेरे अब्बा की तरह है ये सारी hmm. मेरी बहनों की तरह है और मतलब कुछ ऐसा जो मैंने सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं है hmm. तो ये डेफ़िनेटली मेरे इस चीज़ के बारे में परस्पेक्टिव चेंज हुआ है कि इट्स नॉट वट पीपल से ऐसा नहीं मीडिया इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है जितना लोगों ने कहा हुआ है इट्स एक्चुअली ए गुड प्लेस आप आर्मी से हैं आई नो ठीक है और आप आर्मी के माहौल में पली बढ़ी हैं लेकिन ये अब अंदर डीप जाके जो ट्रेनिंग ली उससे क्या एक न्यू फाउंड रेवोल्यूशन हुई या कुछ चेंज हुआ जहन में दिल में इस इस ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस करने के बाद ना एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आ गई है इवन मोर ना इवन मोर पहले वो जज्बा होता है होता है बिकॉज़ आप बिलोंग करते हो बिलोंग करते हो तो वो वाज लाइक ओके जैसे आप इस्लाम जैसे आप मुस्लिम फैमिली में दिल से तो आपको हिट होता है कि, ओ, इस्लाम, yeah. Allah, आपको तब हिट करती है ऐसी चीज़ें सेम yeah. मेरे साथ हुआ आर्मी के बारे में आई वॉज मतलब वही टू टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ठीक yeah. है ये आर्मी आर्मी ठीक है लेकिन जब देखा कि कैसे निकलते हैं ये लोग किस yeah. प्रोसेस के थ्रू उनको लिटरली रगड़ा जाता है yeah. और फिर वो जाके उस पोजीशन पे जाते हैं कि वो इस कंट्री को लीड कर सकें इस कंट्री yeah. को प्रोटेक्ट कर सकें तो इट्स नॉट जस्ट कि वो अच्छा ठीक है भर्ती हुए निकले और बन गए जनरल ऐसा नहीं है

पहुंचे उधर पार्किंग लॉट में आई रिम्बर जब हमने गाड़ी पार्क की तो कुबरा सजन एंड सायरा आई थिंक तीनों साथ थी। 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 तीनों साथ थी तो कैसे इंट्रोड्यूस कराया कैसे हुआ आ, बहुत अंधेरा था और सब ने मास्क पहने हुए थे और तो मुझे लगा कि रमशा थोड़ी सी टॉल है तो मैं एकदम से मैंने उसको लोकेट कर लिया ओके दिस इज़ रमशा राइट तो, तो उसके साथ मुझे ना इतना वो इतना अंधेरा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन है मैंने इवेंट क्लोजर तो आई लाइक एकदम से मुझे मेरे सामने क्या साँचल। मेरे साँचल है। और मैंने कहा अस्सलाम कैसी हैं आप ये मेरी मामा है और अंदर से ना मुझे नहीं आ रही ये सजल है ये है ये लोग yeah. खड़े हैं ये मेरे सामने एक्चुअली में खड़े है बिल्कुल no you know, totally <laughs> <laughs> तो, तो रमशा से मैंने सबसे फिर उसके बाद आई थिंक um, यमुना बाद में आई है hmm. यमुना की फ़्लाइट थी अमेरिका से तो वो बाद में एक दो दिन बाद आई थी hmm. तो उनसे जब मिली तो और लेकिन उनको भी इतना ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगी कि जब उनसे आप मिलो ना तो वो ऐसी नहीं ओके hmm. 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 okay. ऐसी नहीं अस्सलाम hmm. वालेकुम कैसी है और दे कनेक्ट टू यू दे टॉक टू यू yeah. दे देर स्वीट टू यू yeah. तो वो एक इतना एक आपका एकदम से आप सुकून मिल जाता है कि yeah. ओ गॉड अच्छा वो जो आप सोच रहे थे ना कि सर पे पहाड़ है कि कैसे कैसे बात होगी कैसे मिलेंगे तो वो ऐसे करके वो आपके लिए सारा प्रेशर ख़त्म देती थी किससे मिलने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी आई थिंक सजल एंड यमुना आई वॉज मी एंड माई मॉम बहुत हम दोनों yeah. सजल और यमुना से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे अच्छा मुझे बताएं इन सबको लेके इनमें से क्या एक एक चीज़ है जो इन इनकी आ, उसने आपको इंस्पायर किया हो क्या एक चीज़ है या और एनी थिंग दैट अबाउट दम अच्छा आई विल स्टार्ट विद सजल सजल अच्छा सजल की एक्टिंग का ये है ना कि वो एक्टिंग कुछ ऐसी तरीके से कर जाती हैं कि आप कहते हो कि इज दिस ह्यूमनली पॉसिबल कि मतलब अच्छा चलो आप एक सीन एक लाइन को सोचो yeah. कि आप किस किस तरह उस लाइन को कर सकते हो और फिर आप बेस्ट तरीन उसमें टेक दे दो ठीक है लेकिन फिर सजल उस चीज़ को करती हैं और वो ऐसे करती हैं कि आपका दिमाग भी उधर नहीं जाता कि अच्छा ये भी हो सकता था इस wow. सीन में सो आई हैव टू क्रेडिट दिस के वो एक अनबीटेबल टैलेंट है उनका कि शी इज़ एन एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल एक्टर आपने कुछ पिक किया उनसे मतलब अगर मैं ना करती तो इट विन uh, उनकी उनकी कितनी नेचुरल एक्टिंग है ओके okay. कि उनकी ना मैंने वो सबसे बड़ा जो, जो क्या कहते हैं उनसे लेसन लर्न किया वो ये है कि कभी भी किसी भी डायलॉग को ओवरडू नहीं करना सोच सोच के अच्छा ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे hmm. करूँ तो वो नेचुरल आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहती आपकी ऑथेंटिसिटी yeah. लूज हो जाती yeah. है तो जितना आपका नेचुरल जितना नेचुरल आपका जो टेक है ना दैट इज द बेस्ट वन ओके ऑन टू यमुना शी इज प्रोफेशनलिज्म मतलब नदीम भाई की कॉल आती थी, थी ना

She has a beautiful heart, कुबरा मतलब मैं जितना टाइम उसके साथ गुजारा है आ, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बड़ी बहन है आई व लर्न हाउ टू बी सेल्फ लेस फ्राम हर मतलब देर आर सो मैनी टाइम्स के मतलब मैंने ऐसे कहा हो ओ oh, यार मैंने जाना है मनीसो जाना है मुझे वहाँ से वो ना हैंगर्स चाहिए है, अपने बाथरूम में लगाने hmm. के लिए कस है नहीं अगले दिन नॉक होती है दरवाजे पे दरवाजा खोलती हूँ कुबरा ये लो Oh. और वो हैंगर्स एंड आई एम लाइक ये क्या कहते ah. हैं वो, वो तुमने कल कहा था ना तो मैं आज गई थी तो मैं ले आई तो ये और ये नॉर्मल चीज नहीं है ऐसे हर कोई नहीं, नहीं करता, करता ये नोबडी डज दिस राइट और ये तो आगे जाते हुए और भी कम और ये, होता ये जा रहा है ये दिखाता है कि आ, किसी का दिल कितना अच्छा है क्योंकि ये इतनी आ, एफर्ट करना प्रति छोटी सी बात याद रखना सबसे बड़ी बात सोचना द थाट बिहाइंड इट राइट लाइक आप अपने सारे कामों के दरम्यान में आप ये सोच रहे हो कि अच्छा उसने उसकी ये जरूरत थी hmm. उसको ये चाहिए था ओके मैं उसके लिए लाती हूँ छोटी hmm. छोटी चीजें तो आई थिंक आई हैव हैर्न हाउ टू बी सेल्फलेस एंड लविंग पर्सन लविंगसन रमशा इज एन अमेजिंग कंपनी मतलब आप रमशा के साथ बैठोगे ना तो आप कभी बोर नहीं होगे गए yeah. और वो शी इज वेरी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट फ्राम हर बिकॉज जब आप उससे बात करते हो तो शी विल नो शुगर कोट एनी थिंग अगर आपके बाल बुरे लग रहे हैं तो रमशा के लिए लग रहे हैं वो आपको बताएगी और उसको ये नहीं है कि नहीं उसको बुरा लगेगा उसको ये कि ये बुरी ना लगे बेशक इसको बुरा लगे लेकिन ये बुरी ना लगे तो वो मुझे बताती है अच्छा लिपस्टिक ज्यादा हो गई इसको कम करो उसको ये नहीं था कि ये माइंड ना कर जाए कहती कर जाए माइंड मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बैकलैश में बाद में तो शी इज़ वेरी केयरिंग और वो शी इज़ वेरी ऑनेस्ट सायरा सा ओ गॉड आई थिंक नो मैटर वट आई सिल बी लेस वट अ ब्रिलियंट माइंड एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल पर्सन मतलब आप सायरा के साथ बैठो ना तो आपका दिल चाहता है कि बस आप बातें करते रहो उनके पास इतनी नॉलेज है और इन जस्ट अबाउट एवरी थिंग आप उनसे रिलीजन से लेके पॉलिटिक्स से लेके जनरल नॉलेज टू डोमेस्टिक वायलेंस आप उनसे किसी चीज़ के बारे में भी बात कर लो वो आप कॉन्वर्जेसन से इतना कुछ सीख के निकलते हो देर ऑफ इन सो मेनी टाइम्स जब हम सेट पे बैठे हुए हैं और अभी टाइम है कैमरा रोल होने में हम बैठे और हम बातें करें 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 और मुझे मुझे खुद ऐसे लगता है कि आई एम वेल रेड कि आई नो थिंग्स और मेरी नॉलेज है चीज़ों के बारे में बिकॉज hmm. मैं पढ़ती हूँ मैं न्यूज़ भी पढ़ती हूँ hmm. लेकिन जब आप सायरा से बात करो तो वो आपको चीज़ों की ऐसी परस्पेक्टिव देती हैं कि आप कहते हो ओ oh, ये तो मुझे मैंने सोचा मैंने सोचा ही नहीं था शी इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल पर्सन

कुछ अच्छा, गाना गाना चाहे अच्छा, तो क्या गाना गाएंगी वो अच्छा ठीक है अच्छा ये कर रही थी आप इन्होंने मुझसे <laughs> <ने> कहा <laughs> चैलेंज कर दिया था ठीक तो, है कैसा चल रहा है इंटरव्यू अभी तक इंटरेस्टिंग हां अच्छा इतने hmm. हैंडसम ऑफिसर hmm. उनके लिए हैंडसम ऑफिसर के लिए दिल में कुछ-कुछ होता है उनके ना धक धक सुने पल भर ठहर जाओ ऐसे तुम्हें रो का करो बिन बोले बाते तुमसे करो अगर तुम साथ हो डियर मेजर उसामा डेडिकेटेड टू यू फ्रॉम सेलेब्रेसेड्रा एंड फ्यूजिया Yes. आ, अच्छा भाई इतना वो कौमी जज्बे वाला ड्रामा है तो क्या एक कौमी मिली नमा जब पूरी आप सिचुएशन को देखती हैं बड़ा ही ना डीप सा सिचुएशन हो तो क्या गाना आपको जहन में आएगा कि आप पीछे बैकग्राउंड में चल रहा हो ये वतन तुम्हारा है तुम हो के ये वतन तुम्हारा है तुम हो मुझे कोई किस्सा सुना सकती है कोई वाक्य फ्रॉम द सेट्स कोई मज़े की चीज़ जो आप लोगों ने की हो क्योंकि मुझे पता है वक्त आप लोग कोई ना कोई यू स्पेशली <laughs> क्या क्या सुनाऊं मैं आपको मैं टाइम खत्म हो जाएगा नहीं एक सुना दें अच्छा उफ एक दफ़ा मुझे याद है हाँ। बिल्कुल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शूट अब नवंबर का है मंथ एंड वर शूटिंग इन आब्टाबाद सो इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड देयर ठीक है अब रात का वक्त है और हम सबको भूख लग रही है लेकिन अभी खाने का टाइम हुआ नहीं है तो ऑल जस्ट फिशिंग फॉर सम स्नैक क्विकली के सीन से पहले जल्दी से खा लें अब मेरे मैंने क्या किया होता है मैंने आब्टाबाद में अपने कमरे में ना एक अलमारी पूरी फूड क्लोजेट बनाया हुआ था जिसमें okay. मैंने स्नैक्स और नूडल्स hmm. और सब कुछ रखा हुआ था इंस्टेंट जो मुझे yeah. भूख लगे तो मैं वहाँ से ले लूँ अच्छा अब सेट पे क्या हुआ मैंने नदीम भाई से पूछा कि मुझे आप दस मिनट देंगे मैं आई कमरे से ना काम है मेरा कहते तो था ठीक है आओ जल्दी जाओ जल्दी से आ जाओ मैं गाड़ी में बैठी मैं गई मैस मैं कमरे में गई मैंने वहाँ से चार मैगी नूडल के डब्बे उठाए पैकेट उठाए हुँ. मैं वापस आई सेट पे अब चूल्हा नहीं है सेट पे oh. अब मैं परेशान किया अच्छा अब ले तो आई हूँ अब बनेंगे कैसे और भूख शदीद लगी हुई है अब क्या था कि जो हमारे कुक थे ना वहाँ पर उनके पास थी एक इलेक्ट्रिक कैटल बॉइलिंग केटल अब मैंने उनसे पानी उबलवाया चार पैकेट मैगी के मैंने तोड़ के बोल में डाले सारा मसाला डाला और उबलता हुआ पानी मैंने उस पर डाल दिया और ऊपर ढक्कन रख दिया दस मिनट के बाद मैंने देखा वो प्रॉपर मजेदार तरीन मैगी बन गई उसके साथ मुझे बहुत पसंद है हॉट चीटोज़ ये मैंने बताया अभी है कि मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन है मैगी एंड हॉट चीटोज़ वो भी मैं साथ लाई मेरे पानी आ मैंने भी वो मैं साथ लाई हुई थी और मैंने कहा कि ये तो

अच्छा तो एक दिन हमने करनी थी पैराग्लाइडिंग ठीक mm. है uh, अब वो मेजर सीन था सजल का mm. अब सजल को है एक्रोफोबिया और उसने एक्चुअल जंप मारनी थी पहाड़ की चोटी से विद द पर्सन ऑफ कोर्स विद हेल्प लेकिन yeah. करना तो था अब जब फाइनल कट आया ना वो हम लोग पहले बहुत देर बैठे रहे कभी हवा का डायरेक्शन yeah. सेट होती थी कभी नहीं होती थी कभी आगे से क्लियरेंस yeah. मिलती थी नहीं मिलती थी बैठे 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 इंतजार करो आप जितना इंतजार करते हो आपकी बढ़ती है उतनी बढ़ती है कब होगा कब होगा कब होगा एंड देन दैट मोमेंट जब हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया क्योंकि डायरेक्शन okay, yeah. भी ठीक है क्लियरेंस भी मिल गई है अब जो yeah. अब जो ही बस वो सीन का एक्शन होने लगा हम लोग गए और हमने सजन के साथ आखिरी सेल्फी ली कि अब तो आप गई तो आपसे तो आखिरी तो मुलाकात है अल्लाह बचाए तो ये हमारा मेमोरी हमारी रह जाएगी so <laughs> <laughs> उनके उड़ने से पहले हमने जाके सेल्फी ले और हमने कहा कि आइंदा आपसे मुलाकात तो होगी नहीं तो हम ये सेल्फी से आपको याद रखेंगे कि यह आपका आखिरी <laughs> मोमेंट था और वो जो उनको हमने तंग किया हो मेरे पास आई थिंक मेरे पास पिक्चर भी है लेट हाँ। मी सी अगर वो मुझे पिक्चर मिल जाए ना और अगर नहीं मिल रही तो सेंड सी और अगर नहीं मिली तो आई एम सेंडिंग इट टू यू लेकिन एक मिनट ये रही एक

फिज़िकल कोर्सेज़ में आई थिंक रमशा और सज्जल को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था क्योंकि hmm. सज्जल को एक्रोफोबिया तो उसमें काफ़ी टाइम ऐसे होते थे जहाँ पे आपको ऊंची जगह पे चढ़ के एक प्लैंक खाली एरिया उसमें एक लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ उसमें से आपने वॉक oh करना God. है तो एक एक्रोफोबिक इंसान के लिए इट्स हेल्थ hmm. hmm. और रमशा के लिए थोड़ा सा होता था कि उसको वो ना अगर शी है तो, ज़िए तो, ज़िए तो वो स्टक हो जाती थी बिकॉज शी वॉज इट स्केर्यर लाइक लेकिन वो मैंटली शी यूज टू थिंक सो मच नहीं होगा नहीं होगा hmm. नहीं होगा कि वो उससे नहीं होता था आई थिंक यूज्रगल जैसे सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होता था यह सब करने के लिए मीन कुबरा <laughs> और हमारा कैरेक्टर उतना ही बुरा दिखाया हुआ है ऑन स्क्रीन कि इनसे तो कुछ होता तो ही नहीं तो है, कि है हार यू और मैं और कुबरा वी यूज टू बी इन द फ्रंट ऑफ एवरीथिंग थिंग मै आई वाज डूइंग द ऑब्स्टिकल कोर्स एंड आई वाज डूइंग इट मुझे इतना मज़ा आ रहा था करने में लाइक ओके इधर से भी जंप ये भी करना है वो भी करना है हम बचपन से हमें बड़ा ट्रेन किया गया है फिजिकल एक्टिविटी के लिए वी वर एंड इट सो मच मी इन कुबरा एंड यमुना वेल कि हम जा रहे हैं जा रहे हैं मुझे थोड़ी देर बाद एकदम से आवाज़ आती है नदीम भाई की जीना मुझे जीना ज्यादा नजर आ रही है और मुझे सीधा सिदरा कम नजर आ रही है मुझे सिदरा दिखाओ मुझे जीना नहीं देखना <laughs> और फिर मुझे सब कुछ बुरा करना पड़ा <laughs> जो मैं कर रही थी मुझे मतलब सारा आराम आराम से रुक रुक के करना पड़ा तो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बड़ा डिफरेंस था उनके साथ भी जस्ट लाइक सायरा आई थिंक इट्स वेरी इन टू Have a conversation with him yeah. because he as well has a lot to talk about. Yeah. He's very, mashaAllah he's smart, he's intelligent. So, when I and to him, we used to have a lot of fun conversations, but at the same time, I used to learn a lot from him. Yeah. <laughs> फ़ैन रिएक्शन हुआ है कोई लोग मिलके कुछ कह रहे हैं कोई है ऐसी बात जो शेयर कर सके हमारे साथ कोर्स मैं अभी मतलब जब वन आई वॉज़ कमिंग फ्राम इस्लामाबाद पशावर से जब मैं वापस आ रही थी एयरपोर्ट पे भी hmm. अभी जब मैं प्रीमियर पे गई थी जावेद इकबाल की उस पर भी वहाँ पे भी लोग मतलब बाहर जाती हूँ तो ऑफकोर्स पीपल कम अपू मीयर एंड आई ऑलवेज़ लव इट बहुत yeah. प्यार से तो वो इवन जब आप शुरू में बात कही क्या बातें हैं कि yeah. सधा सिद्रा और बहुत अच्छी एक्टिंग लग रही है तो मतलब एक अभी जब प्रेमियर पर गई थी तो

हम लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ्स में गर्मी थी बहुत गर्मी थी और मेरा तो थ्रू आउट हिजाब था तो हमने जब गुजरावाला में अगस्त में शूट किया तो वहाँ तो ऐसा था कि आप ए के कमरे से निकलो तो आप लिटरली ऐसे लगता आपने नहा लिया है आपको इतना पसीना आता था, था और मेरा आपको पता है मेरे हिजाब का कलर मेरी गर्दन पे लग जाता था वो ये पूरी गर्दन ग्रीन वो जो जिसमें मैंने वो किया था ना ग्रीन हिजाब था मेरा उसमें मेरी सारी गर्दन ग्रीन कान ग्रीन सब ग्रीन हो, ये जगह सारी ऐसी ग्रीन होती थी तो वो बड़ा मुश्किल और फिर जब पी एम ए में शूट किया जब शुरू वाला स्पेल जो हमारा था उसमें भी गर्मी तो बहुत थी तो जब वो जब और वो राइफल्स थी वो वो थी डमी राइफल्स थी लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली उसको उसी तरह ही बनाया हुआ होता है जैसे एक्चुअल राइफल्स होती हैं तो उसमें वेट सेम वेट होता है उसका बस वो ये होता है कि वो डेंजर एहतियात होती है तो यू you नो know, चलना जाए हाँ चलना जाए बाकी उसमें जो मैंने आपको शॉर्ट कोर्स के बताया बैग्स पहन के और यूनिफॉर्म ऑलरेडी और, और बूट्स भी इतने हेवी होते थे और यूनिफॉर्म पहनना जूते पहनना और, और वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक नहीं था ना हमारे छः छः यूनिफॉर्म्स फॉर्मल अलग इनफॉर्मल अलग एक कोर्स के लिए अलग फिर एक कोर्स के लिए अलग तो वो कोई आसान नहीं था सिवाय जो हमारे हमारा नाइट सूट था उसके अलावा सब बहुत बहुत पूरी एक एक प्रोसेस होता होगा ना Uh, उसको पहनना तैयार होना फिर जाना आई कैन इमेजिन अच्छा ये बताएं ये दाना नीर जो हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी पॉपुलर हैं फेमस हैं अब सैदा सिद्रा के जो बन के वो दिल जीत रही हैं इज़ लाइफ ऑल हैप्पी फॉर हर या कोई चैलेंज है उनका इस वक्त कुछ क्योंकि बजाय हमें तो लगता है कि वा माशाल्लाह बट कभी कभी जो लगता है वैसा होता नहीं है हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं मैं ये नहीं कहूँगी कि माई लाइफ इज़ परफेक्ट लेकिन आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बी अनग्रेटफुल और मैं एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा नहीं कहूँगी अपनी ज़िंदगी में कि हो ये तो बहुत बड़ा मसला है मेरा ये है तो ये आई लुक एट लाइफ इज़ आई ऑलवेज़ काउंट माई ब्लेसिंग्स कि अल्लाह ने इतना नवाजा है इतना hmm. नवाज़ा है इन एवरी थिंग अलहमद ऑल द टर्म्स तो अगर कोई छोटी मोटी मुश्किल ज़िंदगी में आ भी जाती है तो वो इंसान गुजार लेता है hmm. तो वो कुछ इतना नहीं है एंड ऑफ कोर्स किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती hmm. जो आपको स्पेशली जो सोशल मीडिया पे आई वुड वांट टू पॉइंट दिस आउट टू द व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं hmm. कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को देख रहे हैं ना और आपको लग रहा है कि इसकी ज़िंदगी परफेक्ट है ऐसा hmm. बिल्कुल भी नहीं है hmm. बस ये है कि आप सोशल मीडिया पे अपने रोने धोने की तस्वीरें और हाँ, वीडियोस नहीं डालते हो हाँ, क्योंकि वो एक ज़रा एक पर्सनल एलिमेंट है आपकी लाइफ का लेकिन किसी की भी जिंदगी परफेक्ट और कलरफुल नहीं होती मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा है क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूथ फॉलो करती है ठीक है और बाहिर जो सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं क्योंकि वो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हमें बड़ा खूबसूरत बना के प्रेजेंट करता है ना वैसा नहीं फिल्टर्स लगा एंड यू नो हम अपनी मुस्कुराती हुई हम हर रिजेक्शन हर दफ़ा जब हम गिरते हैं हम उसके बारे में नहीं, नहीं बताते हैं। हैं। और बताते भी हैं तो हम ऐसे बताते हैं कि ये तो नो बिग डील हो no जाता है ड्रीम okay, दे देते दे हैं हाँ। हाँ। तो इसलिए मैंने पूछा कि मे बी अगर आप एक दो चैलेंजेस का जिक्र करें तो लोग उससे रिलेट कर सकें और लोगों को समझ आए कि हाँ एक तो वहाँ पहुँचना आसान नहीं है जहाँ पर आप इस वक्त हैं पहली बात यह सबसे इम्पोर्टेंट बात यह इसके लिए मेहनत लगी है आपके अपने चैलेंजेस होंगे जिसको ओवरकम करके आप पहुँचिए दूसरा ये कि अभी भी थिंग्स आर नॉट परफेक्ट एज दीन और वो हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है मेरे लिए वो चीज़ हो सकता है बहुत बड़ी हो क्या बोले राबिया वॉट द बिग डी यू नो सो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें कोई एक एग्ज़ाम्पल देना चाहें जिससे थोड़ी और यू नो फ्स आ जाएँ या एक reality ज़्यादा आ जाए अच्छा इसमें ये है कि जो मैंने आपको शुरू में बात कही ना कि नाव आई फील गुड जब लोग मुझे सैदा सिद्रा की mm -hmm. तरह आइडेंटिफाई करते हैं और मेरा टैलेंट रिकगनाइज होता है तो मुझे ये चीज़ मैंने इसकी ये आ, बाक स्टोरी ये है कि जब वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जब यू you नो know, आहिस्ता आहिता टाइम गुज़रा तो लोगों ने कहा कि इसमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है और ये क्या और वीडियो में क्या था और उसको वैसे ही फ़ेमस कर दिया और ऐसे ही आप किसी को भी फेमस कर दो और यू you नो know, जो लोग डिज़र्विंग हैं उस अपॉर्चुनिटी के आप उनको नहीं दो और ऐसे ही लोगों को फ़ारि लोगों को अपॉर्चुनिटी दे और इस तरह ज़ाया हो गया तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह उसको नवाजता है जो उसके हक जो वो समझता है कि अच्छा ये डिज़र्विंग इंसान है मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उसकी रज़ा से मिली वो चाहता था तो ये वीडियो और इसके बाद जो कुछ हुआ अभी जो हो रहा है उसकी रजा के बगैर कुछ नहीं होता तो ये जो ट्रोलिंग वाला एस्पेक्ट है ना मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आप ये एक बहुत डिसेंसीटाइज हो गए लोग क्योंकि आप फोन के पीछे बैठे हुए हो ना तो yeah. आप कुछ भी कर सकते हो yeah. आप कुछ भी लिख दो क्योंकि आपको उसका कोई जवाब आपको नहीं आ रहा ना रिप्रिकॉशंस नहीं है उसके yeah. मैं आके आपको थप्पड़ नहीं मार सकती कि yeah. आपने मुझे ऐसा क्यों कहा yeah. मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे इतनी तकलीफ दे बात की तो लोग वो लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं बगैर ये सोचे कि जिनके बारे में वो लिख रहे हैं वो उन, उनकी तरह ही इंसान है hmm. वो कोई अल्लाह की कोई और मखलूक नहीं है जिसको hmm. फीलिंग जिनकी फीलिंग्स नहीं है जिसको फील नहीं होता वो आपकी तरह है कि ही इंसान है जिनको एक एक चीज़ वो जब पढ़ते हैं ना तो hmm. आपकी तरह ही फील करते हैं अगर आप उनकी पोजीशन में होते और आप अपने बारे में ही सुनते जिस तरह आपको फ़ील होता है उनको भी वही फ़ील हो रहा है तो मैं ये बस सिर्फ थोड़ा सा एम्पथी मैं कहूँगी कि किसी को अपनी जगह रख के सोचें किसी की जगह पे अपने आप को रख के सोचें कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी जब आप उसको कह रहे हैं कि ये टैलेंटलेस है और वो मतलब वैसे ही इसको यहाँ जगह पे पहुँचा दिया और कितने लोग हैं जो डिज़र्विंग है तो बंदा अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देता ना कि शायद मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ शायद मुझे कि नहीं मिला खुशी भी है। आप अपनी सही तरह नहीं कर, नहीं कर सकते कि आपको मतलब आपको एक चीज जिस अवाम ने आपको दी है वही वो, वो कह रहे हैं कि वापस दो हमने वैसी दे दी और आपने तो मांगी भी नहीं मैंने तो तो कहा भी में, नहीं कि मुझे दो तो कोई बूस्टर हाँ। लगा के वीडियो वायरल भी, भी नहीं की वो एक वही बात आ जाती है उसने जो लिखा होता है वही होता yeah, है अल्लाह ने लिखा हुआ था ये होना तो yeah. वो हुआ yeah. तो इसमें इंसान की क्या ताकत की वो कहे कि ना हो या नहीं होनी yeah. चाहिए थी या होनी चाहिए थी true. उसने कर दिया तो कर दिया yeah. और ना किसी का सबसे बड़ी बात इसमें जब किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो क्यों मसला है इसमें निकालना मैंने मतलब अगर कोई बुराई की तरफ अगर किसी को मैंने किया हो या इफ आई वर अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल हुआ फॉलोइंग मी तो वो एक अलग बात होती कि अच्छा चलो ये गंदगी प्रमोट mm. कर रही है या हमारी यूथ के लिए एक बुरा वो इम्प्रेशन बन पड़ रहा है यूथ पे इसकी वजह से तो चलो आई वुड अंडरस्टैंड इफ आई वर इन्वाल्व इन सम कॉन्ट्रोवर्सी वे आई एम नॉट डूंग एनी थिंग रॉन्ग तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप किसी को प्रोवाइड रैक दम थ्रू द डट इफ देवन डन एनी थिंग रॉन्ग टू बी क्रिटिसाइज्ड और राइट और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता मैं भी बैठ के ये कह रही हूँ कि आई हैवन बिन इन्वाल्व अल्लाह ना करे अल्लाह ना करेफ समथिंग हैपन्स इ फ्यूचर मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों को इतना फ्रस्ट्रेट नहीं करें इतना उनके ऊपर एक परफेक्शन का आपने एक कवर डाल दिया है कि उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती कि वो True. तो कोई और ही मखलूक है नहीं yeah. Yeah. वो भी आपकी तरह Because ही फंक्शनिंग ह्यूमन हैं yeah. उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं हाँ. आप आप तो खुदा नहीं हो अल्लाह हाँ. भी माफ कर देता है लेकिन इंसान नहीं माफ करता True. इंटरनेट पे तो इट इज़ वो एक, इतना एक टॉक्सिसिटी आ गई है इन द रीसेंट टाइम्स पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले डर लगता है कि यार मतलब ये अगर yeah. कुछ गलत हो मैं यही आपको मैं बताऊँ मेरा मैशन का इंटरव्यू था उस पर उन्होंने मुझसे पूछा किल डेट एंड मैरी उन्होंने मुझे तीन नाम दिए उसमें से एक बिलाल अब्बास का नाम था तो मैंने उनको कैटेगराइज किया तो उनका नाम आया मैरी में ठीक okay. है अब मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है वो मुझसे yeah, एक वो तो मैंने रैपिड फायर में गेम में हिस्सा yeah. लेके उनको ब, मैंने बोल दिया बिलाल अब्बास अगले दिन आप सोचें मेरी फैमिली के ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पिक्चर्स आ रही हैं स्निपेट्स की अखबारों की दनानीर मुबीन ने बिलाल अब्बास खान के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उसमें मेरी कोई वो तैयार हुई हुई पिक्चर भी डाली हुई है कि जैसे मेरी मंगनी भी हो गई है so तो मैं तो मैं यही सोचती हूँ कि मतलब लोग कहाँ कहाँ से क्या yeah. पकड़ के उसको क्या बना देते हैं तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू से प्लीज बी नाइस एंड बी ईजी ऑन द पीपल यू सी पब्लिक फिगर्स हैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है आप है। उनको ऐसे ना ट्रीट करो yeah. कि जैसे आपकी मल की आप तो सही बात क्या हो रही है yeah. और कितना ऑकवर्ड में आप डाल देते हैं किसी को आप सोचिए so so मेरे मेरे yeah. I'm sorry to cut you short, yeah. मेरे आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट रिश्तेदारों की मैसेजेस मैसेजेसर्न कि ये क्या हो रहा है और मतलब आप लोगों ने सोचा है इस बारे yeah. में और ये क्या खबरें मिल रही हैं yeah. तो फिर मतलब एक आपको उन्होंने वैसी अपनी रेटिंग्स के लिए खबर छाप दी लेकिन जो बैक एंड पे मेरी फैमिली ने फेस किया वो तो एक डिफरेंट चीज़ है ना तो नो यू नो वही बात empathy. आप yeah. किसी और की जगह पे अपने आप को रख के yeah. सोचो तो आप विल बी मोर केयरफुल ऑफ व्हाट यू डू सही कह रही है एंड फिर इसी तरह की बातों से फिर और लड़कियां आ नहीं पाती हैं बिल्कुल उनको चीजें फेस करना पड़ती हैं और खुद इंसान को यू डोंट वांट टू बी आई डोंट वांट टू एंड और वो दूसरा बंदा भी जिसके साथ आप नाम लिया जा रहा है वो भी क्या सोचे यू नो और मेरी वैसे भी बिलाल भाई से बात हुई हुई है तो मतलब हम मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ बट आई एव डॉक टू हिम तो, तो वो मैं यही सोचती हूँ कि वो क्या मतलब मैं उनको भाई कहती हूँ और खबरें वो लोग क्या छाप रहे हैं तो ये कि कितना अजीब एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन लोग क्रिएट कर देते हैं इट्स नॉट फन नहीं नहीं बिल्कुल भी इट्स इट्स एक्चुअली आई विश कैसी चीज़ें नहीं होती ताकि और लोग डिस्करेज नहीं हो और आपकी जो एक एक जो रिस्पेक्ट है वो हर चीज़ की अपनी जगह रिस्पेक्ट ओवर एनी मेरे yeah. लिए रिस्पेक्ट से yeah. ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पहले आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दूर से देखती थी ठीक है आप कंटेंट खुद क्रिएट कर रही थी बट वो डिफरेंट था अब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट हो गई हैं आई डोंट नो फ्यूचर में क्या प्लान है रहेंगी नहीं रहेंगी लेकिन अब जब इंटरेक्ट कर रही हैं तो कैसा फील होता है क्या हाउ डू यू कनेक्ट विद दो पीपल क्या चैलेंज है कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको लगता है कि हैं या इट्स ऑल वेरी स्मूथ एंड इज़ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वेलकमिंग आप लोगों की आप जैसे लोगों को जो जो सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं um, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी आई वेंट टू बर्थडे पार्टी रिसेंटली तो वहाँ जब मैं वहाँ पे बहुत इंडस्ट्री के ही सारे लोग थे hmm. तो मैं जब वहाँ गई तो मैं ओवरवेलम हो गई कि सब ने इतनी तारीफ की Okay. तो वो एक होता है ना कि नई लोग तारीफ नहीं करते और कंपेटिटिव है और कट थ्रोट इंडस्ट्री है और इस तरह तो वहाँ सब सबने मुझे बुला के कहा कि आपने इतना अच्छा काम किया और ऐसे लोग जिनसे मैं पहले मिली भी नहीं okay. थी तो उन्होंने इतना अप्रीशिएट किया और वेलकमिंग है बट वेलकमिंग टू टैलेंट ओके

आपका कम्फर्ट लेवल डिवेलप होना होना शुरू हो जाता है डिफरेंट लोगों से और आप फिर एक आपको नहीं सर्कल बन जाता yeah. है कि दीज आर दीपल आई एम कम्फर्टेबल विद और इस तरह yeah. लेकिन एक एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है क्योंकि मुझे जो एक चीज़ लगती है वो ये है कि रेलिवेंस एक बहुत खतरनाक चीज़ है इस इंडस्ट्री में ओके okay. um, मुझे समझ आई अब रेलिंस इस तरह कि अगर मैं आज फेमस हूँ अगर आज मेरी डिमांड है डिमांड एज इन लोग मुझे देखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन देखना hmm. चाहते हैं पीपल वॉन्ट टू कास्ट मी तो आई एम वैल्यूबल डजेंट मैटर अगर मैं अच्छी इंसान हूँ नहीं हूँ अगर मैं अच्छी इंसान हूँ लेकिन मेरी डिमांड नहीं है मेरी रेलिवेंस नहीं है मैं फेमस hmm. hmm. नहीं हूँ मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है तो आई थिंक मेरी उतनी वैल्यू नहीं hmm. रहेगी okay. uh, hmm. उस, उस जगह पर yeah. तो एक ये चीज़ होती है कि आपका दिल या आपका एज अ पर्सन इतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी फॉलोअर काउंट या आपका क्लाउट uh, मैटर करता है कि mm -hmm. आप अपने साथ क्या ला रहे हो डज ए मैटर कि आप इंडिविजुअली क्योंकि मेरे लिए ये है कि मैं आपको राबिया की तरह देखूंगी mm -hmm. मैं ये नहीं देखूँगी फ्यूचर मैगजीन अच्छा इसके लिए yeah. व्यूज ये वो नहीं मैं आपको एज अ पर्सन देखूंगी mm -hmm. फिर जो आता है दैट इज़ अ सेपरेट थिंग वो सेकेंडरी है प्राइमरी इज यू एज अ पर्सन बट जितना मैंने नोटिस किया आई थिंक यहाँ पे वैल्यू उस चीज़ की है कि आपके साथ क्या आता है नॉट अगर आपसे ये सब कुछ हट जाए तो योर ऑफ नो वैल्यू तो ये एक चीज थोड़ी सी डिसहार्टनिंग है बट आई थिंक बट ठीक है आप हैं आपकी ये सोच है तो इस तरह और लोग आएंगे हो सकता है ये भी चीज़ हो जाए मैं आप बहुत छोटी हैं और बहुत यंग हैं बट आपकी कॉन्सेशन में इतनी मच्योरिटी है इतनी थाट है एंड जिस तरीके से आप अपना पॉइंट कम्युनिकेट करती हैं और ये अभी नहीं मैंने आपके पिछले इंटरव्यूज़ देखे जो एक साल पहले भी जब आप आपका ये सार मुझे लगता है जो फेम मिला आपको एकदम से उस उसके सफ़र ने भी आपको चेंज किया होगा Definitely. लेकिन ये उस सफ़र के शुरू की बात है तब भी मुझे लगा कि जो आप जवाब दे रही हैं बड़ी खूबसूरत अंदाज से बड़ी इतनी मेच्योरिटी इतनी पुख्तगी सोच की कैसे आई है क्या चीज़ आप एट्रीब्यूट करेंगी इस चीज़ को पेरेंट्स को बुक्स को रीड करती हैं या जिंदगी में कुछ देखा है कैसे है ये और आप अपने जैसे यंग लोगों को क्या एडवाइस करेंगी टू गेट दिस बिकॉज आई रियली एडमायड यू आप कितनी अभी भी मेरे सामने बैठ के आप जितनी क्लैरिटी से अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही हैं ये आसान नहीं होता है क्योंकि थाट सबके जहन में होती है उसको समझाना आप क्या एक तो आई कैसे और अगर कोई टिप है जो आप हम सबके साथ शेयर कर सकें वो इज़ डेफिनेटली आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को okay. हमारी फैमिली में इस तरह था आई थिंक जो एक पुख्तगी की बात करी है ना बचपन से हमारे पाकिस्तान में होता है अच्छा बच्चा है छोड़ो बच्चा है बच्चा है बच्चा है हमें कभी भी ऐसे नहीं ट्रीट किया कि ओ बच्चा है छोड़ो छोड़ो yeah. लग ना जाए हमेशा हमें बचपन से एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया गया है okay. अगर हम किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कि अब्बा ये ऐसे तो अब्बा ने कभी नहीं कहा कि बच्चे या बोल रहे अच्छा तुम बताओ mm. अब्बा ने कहा अच्छा जी आप बताएं आप क्या कह रही हैं अच्छा आपको ये लगता है अच्छा जीना को ये लगता है अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा माई वॉइस मैटर्स वट आई से मैटर्स फिर उसके बाद बचपन से अम्मा अबा मेरी खलाओं ने हमें बचपन में बर्थडे पर हमें बुक्स मिलती थी हमारे घर में एक इस दीवार जितनी पूरी लाइब्रेरी है जिसमें इनट ब्लाइटन से लेके डैन ब्राउन से लेके कर जे के रॉलिंग से लेके हर ऑथर की बुक पढ़ी हुई है तो बचपन से हमने पढ़ा भी बहुत है रीडिंग बचपन में आप सोचे बेड टाइम के बाद टॉर्च लेके कंबल के अंदर हैरी पॉटर की बुक्स फिनिश की है मैंने इतना हमें क्रेज़ था फिर उसके बाद हमारे बचपन में एक्टिविटीज़ इस तरह होती थी कि अब्बा हमें कहते थे कि आपने हर रोज़ मुझे पाँच वर्ड्स थेसोरिस से लिख के देने विद विदेर मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स तो इस तरह विकैबले फिर उसके बाद फैमिली डिस्कशंस हैं जैसे बड़े बैठे हुए हैं तो हमें कभी भी नहीं कहा आप सारा कमरे में कमरे से बाहर जाओ हमने बात करनी है okay. हमें इन्वॉल्व किया डिस्कशंस में हमारे ओपिनियंज लिए एंड दैन वी ट्रैवल्ड एक तो आर्मी का ट्रैवल फिर एक इंटरनेशनल ट्रैवल लेकिन जो एक आर्मी का ट्रैवल था ना उससे ये हुआ कि हमने इतनी जगहें देखी इतने लोगों से इंटरेक्ट किया आप सोचें हम हर दो तीन साल बाद वी शिफ्ट टू अव सिटी और ऐसे ऐसे सिटीज़ जब हमने जो हमने सुने भी नहीं थे जहाँ हमने मतलब कभी भी नवर बिंद है तो ऐसी जगहों पे जाना वहाँ पे ग्रास रूट से घर सेट करना दोस्त बनाना लोगों से बात करना सीखना उनके उनके कल्चर को उनके उनके वे ऑफ लाइफ को तो वो मतलब एक वो एक वो हांडी है ना जिसमें ये 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 ये, ये तो बनाओ तो वो एक डिश बन जाती है hmm. तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूट और फिर दूसरा एक इंसान की अपनी विल होनी चाहिए माइंड hmm. सेट होना चाहिए ग्रोथ लर्निंग एंड ग्रोथ कि कभी भी ये नहीं कि अच्छा अभी तो मैं मैं उन्नीस साल की हो गई हूँ बीस hmm. साल की हो गई अब बस मैंने बहुत सीख लिया बस hmm. मैं इतनी मैं चोर हूँ इतनी अच्छी बातें करती हूँ अब और क्या चाहिए ज़िंदगी में नहीं यू ऑलवेज़ हैव टू हैव अ थर्स्ट इन यू कि उस एक जो प्यास है ना वो कभी नहीं बुझनी चाहिए mm. कि सीखना है सीखना है सीखना है इससे भी सीखना है इससे भी सीखना है ग्रो करना है mm. अपनी बेस्ट पोटेंशियल अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग और बॉडी को mm. इतना पावरफुल बनाया है mm. हम उसको सिर्फ इतना सा इस्तेमाल कर रहे हैं mm. क्यों वाई नाट बी योर बेस्ट वाई नॉट यूज़ योर मोस्ट पोटेंशियल एज ए ह्यूमन बींग तो वो एक जो थर्स्ट है ना और फिर उसकी इन्वायरमेंट आपकी हेल्प हेल्पफुल इन्वामेंट उसको yeah. क्वेंच करने के लिए yeah. तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर तो I आपने इतनी खूबसूरत बातें शेयर की हैं बहुत अच्छी जब <laughs> मैं तो काउंट कर सकती हूँ नो सीरियसली दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट आई थिंक जो माँ बाप सुन रहे हैं जो बड़े बहन भाई सुन रहे हैं वो पिक करें तो बच्चों को या आगे की जनरेशन को हम पर्सनल ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं और क्यों नहीं क्यों नहीं चाहेंगे कि लोग अच्छे तरीके से बातेंटली एक्सप्लेन करें और मेच्योरिटी और थॉट प्रोसेस बुक्स तो आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नो डाउट वो एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा जो मैं कहती हूँ जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से आप नाइन्टी नाइन परसेंट को देखेंगे कहीं ना कहीं कोई, कोई ना कोई बुक्स से ताल्लुक होगा उनका नो डाउट और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मैंशन नहीं की बचपन से हमारा जो एक रिलीजस एस्पेक्ट है ना वो हमारी फैमिली ने बहुत स्ट्रांग रखा है okay. मतलब कभी भी अब्बा ने ये नहीं किया डंडा उठा के कि नमाज पढ़ो इसी वक्त नमाज़ पढ़ो अब्बा आते रूम में बच्चे मगरब का टाइम हो गया जाए नमाज लो शाबाश नमाज़ पढ़ लो okay. प्यार से प्यार से कि एक है, उन्होंने हैबिट बनानी है ये नहीं कि मजबूरी में बच्चा नमाज पढ़े बचपन से कुरान हमने पढ़ा ट्रांसलेशन के साथ हमने पढ़ा हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज मिल देखते थे इस्लामिक स्कॉलर्स को हमने पढ़ा तो वो एक अल्लाह से भी हमारा कनेक्शन ने इतना स्ट्रॉग और ये भी फैमिली की ही एफर्ट है बच्चे को क्या पता आप सिखाओगे ना उसको आप कारी साहब बैठते थे उनको हमें तर्जुमे के साथ पढ़ाते थे टू मेक यू अंडरस्टैंड रिलीजन आप पढ़ क्या रहे हो फिर नमाज हमें पाँच वक्त की नमाज पर पाबंदी रखना और इस तरह नहीं कि वही जो मैंने आपको डंडे से नहीं प्यार नहीं। से समझाना कि एक आदत बन जाए तो आई थिंक ये रिलीजियस एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए वो जो एक आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव आता है ना जो एक मजबूती आती है वो रिलीजियस एस्पेक्ट के अलावा वो है बिल्कुल प्राइड दफ़ा पढ़ी क्या है है भाई उसमें क्यों पसंद आई यू यू हैव मीन मिस्टर 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 डार्सी 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 वो ज़िंदगी ज़िंदगी में रही में रही होंगी आप नहीं ढूंढ रही लेकिन वो ए, एक अच्छा उन मिस्टर डार्सी के साथ ना बड़ा लव हेट रिलेशनशिप मिस्टर डार्सी की कुछ हरकतें ऐसी जहर हाँ. लगती क्यों 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 राइट कर रहे कर रहे Well, I guess at the end it, it is Mr. Darcy, and it yeah. is what it, it makes him. You, Lekin, you, you, he, you can't have him. Un things exactly. Wo you jo, can't pick wo and jo, choose. Wo jo aata hai na, mis, Mr. Darcy ki attraction. कुछ कुछ वहाँ से भी आती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल आरा एक थोड़ी सी जो उनकी टॉक्सिक हाँ। साइड आ जाती है हाँ, सो बट अब आप लोग जो नई जनरेशन आएगी वो इसके साथ इनशाला ग्रो अप नहीं करेगी लेकिन हम Hopefully. लोग फिल्म साथ ग्रो अप हाँ इनशाला हाँ। बट लेकिन मतलब वो स्टोरी और स्पेशली जो उसका ओल्डर वर्जन है मैंने बुक बुक जो मैंने आई रेड द बुक फर्स्ट फर्स आई सॉ द मूवी तो वो एक ऐसे होता है ना कि वन डेज वो ऐसी मूवी है कि जब आप थके हुए आते हो और आपको कुछ ऐसे देखना होता है जिससे आपको सुकून मिले ना वो एक होती है ना एक तो ऐसे पुरानी, या शो, पुरानी वाली पुरानी वाली पुरानी वाली नई वाली में थोड़ा सा मॉडर्न और ग्लैमर एडेड है, हाँ। glamour added है। हाँ। जो पुरानी वाला जो पुराना हाँ। वाला वर्जन है ना उसमें तो क्योंकि मुझे एक थोड़ा स्लाइट अपसेशन भी है ब्रिटिश ओल्ड ब्रिटिश कल्चर से जिस तरह उनका लाइफ स्टाइल विलेज जो लाइफ स्टाइल उनका दिखाया हुआ है ना मुझे आई लव आई पेंट इज़ वेल तो आई ऑल्सो पेंट वो वाली सीनरीज ओल्ड ब्रिटिश सीनरीज एंड दो यू नो दो वीट उनकी जो फील्ड होती हैं एंड देर कॉट और शीप एंड एवरी थिंग तो मुझे वो भी है थोड़ा एलिमेंट तो वो एक देख के ना सुकून मिलते हैं आई मैं उधर पहुँच जाती हूँ तो इसलिए आई जस्ट

ट बुक या कोई एक चीज़ आपने पिक की है जो आप शेयर कर सकती है कोई एक चीज शेयर करना चाहेंट बुक कम्फर्ट कैसे करती है आपको कम्फर्ट ऐसे करती है लव इज सो वैल्यूबल टू मी बे लॉस मोहब्बत का जो एक एलिमेंट है वो इतना वैल्यूबल है कि जब मैं उसमें देखती हूँ ना एन आई सीट से फिट इन देयर वो एक

अगर वो कहे ना कि अच्छा ये लड़का है तो मैं ये नहीं कहूँगी नहीं 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 मुझे प्यार ही करना है तभी हाँ, उसी से ये ही शादी रही थी कि, कि कुछ लोगों का होता है कि नहीं शादी करेंगे तो तब करेंगे अगर किसी से मोहब्बत हो गई तो या also, also तो. Also हाँ, mean, हाँ. लेकिन मेरा ये मानना है कि वो भी बिल्कुल ठीक है और जो मैं सोच रही ये भी बिल्कुल ठीक है अब टू ईच ओन जो जिस तरह जिसकी पसंद है मेरा ये है कि अगर मुझे

और अन ऑफ कोर्स आई नेवर मेंट कि पेरेंट्स सही डिसीजन ही लेंगे मुझे ऐसा लगता है कि uh, जैसे जैसे चीज़ें एक ज़माने में अरेंज मैरिज वॉज दी थिंग फिर yeah. लव मैरिज को आने में थोड़ा yeah, लगा। तो बहुत टाइम्स ऑफ चेंज हाँ और फिर ये हुआ कि सिर्फ लव मैरिज अरेंज मैरिज थोड़ी सी नीचे हो गई हैं yeah. तो और जो जनरेशन भी आ रही है मुझे लगता है वो उनको अपना

जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये कि आप यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं राइट आपकी इस, आप, आप जिस स्टेज से देख रही हैं जो गुजर रही हैं इस वक्त यूथ शादी के बारे में क्या ख्याल रखती है हाउ यू गैस परसीव मैरिज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अटैच होना शुरू हो गई है मैरिज से एंड एंड राइटफुली सो देखिए राइटफुली सो इन सेंस कि हमारे जो बड़ों बूढ़ों में जो हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं शादी की वो कुछ इतनी कमाल है। आपके अलहमदेरी मैरिड और उनकी कम्प्लीटली अरेंज मैरिज थी तो okay. मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल ही गलत है कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिज हर किसी को अरेंज स... मैरिज तो yeah. की, की बात करें अब मेरे पेरेंट्स का जैसे है देर हैसेस विच मतलब जो मैं देखती हूँ कहती हूँ मैं कभी भी शादी ना करूँ तो और मसला ये है कि हमारे पास अच्छे से ज़्यादा बुरे एग्जाम्पल्स हैं शादी के मामले में hmm. जहाँ तक हमने सोचा है, जहाँ सॉरी जहाँ तक हमने देखा है hmm. अब यह है कि हमने जहाँ तक औरत की पोजीशन देखी है शादियों में वो ये है कि औरत वो करेगी जो मर्द कहेगा और औरत का कोई अपनी पर्सनल स्टैंडिंग नहीं है औरत एक माँ है औरत एक बीवी है hmm. औरत एक बहू है okay. औरत भाभी है बस ये है ये उसके connecting अपनी रोल, अपनी रोल, उसके connecting रोल है और उसकी आइडेंटिटी ही उसके कनेक्ट वो किसी की भाभी है वो किसी की है, वो किसी बहन है वो किसी की बेटी है वो किसी, किसी की बीवी है वो किसी की माँ है ठीक है औरत खुद क्या है हम ये कहते हैं कि पहले औरत की आइडेंटिटी आप डिटर्मिन करो कि पहले औरत एक अपनी आइडेंटिटी रखती है एक खुद इंसान है जिसकी अपनी ख्वाहिशात हैं जिसकी अपने थॉट्स हैं उसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं उसने जिंदगी में खुद भी कुछ करना है और फिर उसके बाद वो पहले औरत है वो फिर किसी की बहन है वो किसी की बीवी है किसी की माँ है और ये बहुत खूबसूरत सब रिश्ते हैं ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स लेकिन एक औरत की अपनी आइडेंटिटी है उसका से है हमने जो मैरिज एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें औरत का से नहीं देखा हमने हमने एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप देखी है जहाँ पे जो मर्द कह रहा है बस वो आख पहली और आखिरी बात है उसमें किसी की राय नहीं ली जा रही कि अच्छा हम दोनों की शादी है हम दोनों का घर है तुम बताओ तुम क्या सोचती हो इस बारे में ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चे को ये करें ये ना करें मैंने कह दिया मैं मर्द हूँ इस घर का मैं बढ़ाऊँ मैं ही यही करूँगा आप हो मर्द घर के यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली यू आर द मैन ऑफ द फैमिली बट शी इज़ ऑल्सो द वुमेन ऑफ द फैमिली शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली आप उसकी राय लो इट्स अ कोलेबरेटिव एफर्ट इट्स नॉट वन साइडड दोनों की एफर्ट दोनों की सेम मैटर करती है शादी में तो हमारा दिल इसीलिए ज़्यादा हमारी जनरेशन में शादी के लिहाज से इसीलिए ज़्यादा नेगेटिविटी आई है क्योंकि हमने अच्छे से ज़्यादा बुरे एग्जाम्पल्स देखे हैं शादियों में आपकी एज दो सवाल हैं पहले मैं पूछूँगी आपकी एज आपके बहुत से लड़के भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी इसी तरह सोचते हैं उनका भी पर्सपेक्टिव इसी तरह है शादी के बारे में नेगेटिविटी देखिए अच्छी बात थोड़ा सा डिफरेंट होता है अच्छी... अगर आप लोगों ने कभी कॉन्वर्सेशन किए हो मुझे लगता है आजकल की बहुत बात करती है बिल्कुल अच्छी बात यह है कि अब हमारी जो जनरेशन है ना उसमें लड़के भी दे सी इट फॉर वट इट इज़ वो उन्हे, देखते हैं कर रहा है कि क्या हो गई वो, वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि अच्छा जो हमारे बाप ने किया वो ठीक नहीं है इवन दो जो हमारे बाप ने किया उसकी वजह से मेरे पास बहुत पावर आ रही है बेटे की पावर बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो बाप जो कर रहा है क्योंकि वो माँ का बहन का रोल बिल्कुल कोने में लगा के उसने अपने बाद जो पावर है वो बेटे को दे दी उसकी वजह से बेटे बेटे की जिंदगी तो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास पावर है उसके पास लीडरशिप है लेकिन उसकी बहन उसकी माँ उसका क्या उसके आगे जो बेटी है उसका क्या तो हमारी जनरेशन में अच्छी बात यह है कि हमारे मर्द रियलाइज़ कर रहे हैं हमारे लड़के बच्चे जो हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अच्छा ये जनरेशनल जो एक टॉक्सिक पैटर्न चलता आ रहा है ये गलत है और इसको चेंज करना पड़ेगा वरना जैसे मैंने सफ़र किया है जैसे मेरी बहन सफ़र करी है उस तरह मेरी बेटी सफ़र करेगी जैसे मेरी माँ ने सफ़र किया उस तरह मेरी बेटी किसी के घर जाके सफ़र करेगी तो अगर मैं ये चाहता नहीं मेरी मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी सफ़र करे मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे तो आज मैं ये तय करूँगा कि मेरे जो फोर फादर्स मेरे बाप दादा ने जो किया मैं वो ना करूँ मैं वो ना करूँ यू ब्रेक द जनरेशनल टॉक्सिक साइकिल सो ये ये तो एक हो गया जो आप लोग फील कर रहे हैं ठीक है जो यूथ right. जनरली uh, अपना उसके ख्याल आते हैं शादी के बारे में लेट्स टॉक अबाउट ये चेंज कैसे हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आप लोग सोचते रहें और हमारी सोसाइटी बिल्कुल उस साइड पे चली जाए जहाँ शादी को हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करना शुरू कर दें द बैलेंस हैज़ टू बी देयर ना बिल्कुल तो इसीलिए मैंने अपन अब इंटरव्यूज़ में इस तरह ये कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करना शुरू किया कि शायद कोई आइडियाज़ भी आए और लोग भी इन बातों को सोचें तो हम एज़ फीमेल औरतें हम लोग क्या कर सकती हैं आपको लगता है अगर कोई आइडिया आपके जहन में आता है या कि हम इस इस चीज़ में हम आगे जा ये चेंज ला सकें हम अपने घरों में अपने बहन अपने भाइयों बेटों में शायद वहाँ कोई चेंज लाई कुछ आपको लगता है डायरेक्शन है कभी आप लोग इस बात पे करते हैं कि सोलूशन क्या है मोस्ट तो? डेफिनेटली आप सिंफ आहन उसकी आप स्टोरी देख लें अब जो शाइस्ता की स्टोरी है yeah. पठान फैमिली है mm -hmm. और मैं उससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अब्बा या मामू तो अलहदुल्लह ओपन माइंडेड हैं समझते mm -hmm. हैं लेकिन मैंने अपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिलेशन देखे हैं क्लोज़ फैमिली में जो शाइस्ता के बाप की तरह ही हैं okay. कि बेटा जैसे उसकी नानी या दादी दादी सॉरी बेटा 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 hmm. कज़न मेल 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 yeah. ये पड़ेगा बेटी क्यों बेटी क्यों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मर्दों का रोल इसमें आई hmm. थिंक हमारे मर्दों के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये चेंज ला सकती है अगर आज मेरा भाई कहेगा ना hmm. कि मेरी बहन और मैं हम दोनों स्कूल से इकट्ठे आए हैं तो आप मेरी बहन को क्यों कह रही हैं कि मेरे लिए खाना लाए मैं मैं वो भी तो उतनी थकी हुई है जितनी मैं थकी हुई तो वो आप उसको क्यों कह रही हैं हम दोनों मिल अपने लिए खाना खुद लाएंगे अगर बाप कहे कि मेरा बेटा पढ़ना चाह रहा है और मेरी बेटी भी पढ़ने चाह पढ़ना चाह रही है तो मैं अपने बेटे को अपनी बेटी के ऊपर फोकियत क्यों दूँ मैं क्यों कहूँ कि नहीं बेटा पहले पढ़ेगा और बेटी बाद में कि नहीं बेटी की तो शादी हो जाएगी उसमें तो वैसे ही घर बच्चे संभाल लें तो उसकी एजुकेशन का क्या फ़ायदा एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि बच्ची जॉब करेगी एजुकेशन आपको एक इंसान आपकी आइडेंटिटी बनाती है आपकी सोच बिल्ड करती है आपको अपने ओपिनियंस देती है और ये गलत बात नहीं है लोगों को लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग औरत होना गलत बात है एक अपने ओपिनियंज होना गलत बात है कैसे इफ़ यू हैव योर ओन ओपिनियंस आप गलत और सही को आइडेंटिफाई कर सकते हो एक औरत के साथ ज़्यादा हो रही है अगर उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ ज़्यादा हो रही है और उसको अपने राइट्स का नहीं पता और नो हाउ का नहीं पता तो वो कैसे कहेगी कि, कि नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए नहीं। तो ये आई थिंक एक डिप्रिवेशन इसीलिए है कि एक पावर है कि जब तक उसको आप उसके राइट्स नहीं दोगे उसको पावर नहीं।, नहीं दोगी तो वो गलत और सही के दरम्या में फ़र्क नहीं कर सकती नहीं। नहीं। तो आई थिंक हमारे मर्दों को हमारे भाइयों बाप हमारे जितने भी नहीं। नहीं। बड़े हैं जो हमारी जनरेशन आगे नहीं नहीं आ रही है जो हमारी जनरेशन है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब ये बाप बनेंगे जब ये भाई हैं अभी ये अपनी बहनों को एम्पावर करें कि नहीं मेरी बहन पढ़ेगी अगर उसने पढ़ के उसको जॉब करनी है तो वो मेरे साथ मैं उसको लेके जाऊँगा मैं उसका मुहाफ़ हूँ ठीक है मैं उसको लेके जाऊंगा लेकिन वो जाएगी उसको जॉब करने थे वो अपने लिए कमाना चाह रही है कमाए उसको कमाने थे व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट राइट उसमें मसला क्या है किसी का कोई नुकसान हो रहा है जो हमारे बाप है जो हमारे फादर फिगर्स हैं हमारी सोसाइटी में उनको होना चाहिए कि मेरी बेटी भी उतनी ही वैल्यूबल है जितना मेरा बेटा है लोगों को लगता है बेटे इन्वेस्टमेंट होते हैं बेटियां बेटियां भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं बिल्कुल है। आपके जब आप सोचते हो ना कि आपका बुढ़ापा है तो आप ये नहीं कि मेरे बेटा मेरे दबा रहा होगा इतना ख्याल रख रही होगी वो अपने, से, अपने घर से मुझे कॉल करेगी अब आपने दवाई ली अब आपने ये किया अब आपने ये नहीं किया असल इन्वेस्टमेंट तो बेटियाँ होती हैं जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ते आपको सपोर्ट कर सकती है क्योंकि अब ये दुनिया बहुत चेंज हो गई है अब बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम हमें अपने भाइयों में अपने बेटों में अपने कजन में अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं उनमें हमें आई थिंक हमें भी रियलाइजेशन दिलानी चाहिए डेफिनेटली डायलॉग स्टार्ट करना डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए।, चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि

बाप ने ये किया अच्छा बेटे ने, ने ये इस तरह वो अपने बच्चों को बताए कि वो उधर रह गया yeah, वो ख़त्म अब नहीं हाँ। और वो खुद कहे कि अच्छा मैं मैं अपने साथ मैं अपनी बेटी के साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ और एज वेमेन ऑल्सो मे बी कि हम ना बर्दाश्त करें यू स्पीक अप लेकिन उस उस बोलने के लिए भी बोलने के लिए भी आपको एक पावर चाहिए जिससे विच कम्स टू द पॉइंट ऑफ कोलाब्रेशन जब आपका दोनों का इक्वल इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है मर्द हेल्प करेगा औरत रियलाइज करवाएगी और दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे ये ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि मर्द लगा रहे तो मसला हल हो जाएगा या औरत बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे नहीं कोलाबरे एफर्ट है और मिल हमने ये मसला हल करना है एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ जहाँ हम ये बात करें कि एक जनरेशन का हिस्सा है जो शादी के को बहुत नेगेटिवली लेती है देर इज़ अनदर पार्ट ऑफ द द यूथ या वो, वो जो पीछे से चला आ रहा है जिनके लिए शादी इज़ द मेन थिंग यू नो कि हमने शादी को और हस्बैंड को या रिलेशनशिप में जो भी मर्द है उसको इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि वो जिंदगी का फोकस वो हमारी एंडिंग हो गई है जैसे में, में भी डायलॉग तो। था कि शादी एक कहानी का अख्ताम नहीं है बिल्कुल एक मंजिल एक एक फेज़ है बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक जनर एक पार्ट है जो शादी को ज़िंदगी की मंजिल समझती Most है definitely. और शोहर इज़ दी थिंग और Most जब definitely. किसी भी वजह से वो इंसान निकल जाए या शादी वो तो बड़ी हार्ट ब्रेक होता है वो होता है तो ये बैलेंस हम कैसे ला सकते हैं कि शादी और करियर दोनों साथ साथ चलें आपकी अपनी सेल्फ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जितनी शादी है फॉर यू दोनों में से क्या चीज़ और हाउ डू यू बैलेंस हाउ डू यू सी दीज थिंग्स आप जिंदगी में इनको कैसे प्लेस कर रही हैं करियर को शादी को स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आई थिंक जिन लोगों जिन लड़कियों की जिंदगी का मेन फोकस उनकी शादी होती है आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग ओके लेट मी री फेज ना मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहूँगी कि शादी इज नॉट द इम्पॉर्टेंट शादी शुड बी वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड नॉट बी दी मोस्ट डेफिनेटली इंपॉर्टिनेटली करियर शुड नॉट बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी वन ऑफ और करियर नहीं सेल्फ डेवलपमेंट आप नहीं करना चाहते का लेकिन अपने आप को किसी ना किसी तरह से डेवलप करें एक for, अपनी for, अपनी एक चीज और फॉर पीपल जिनको है कि जो लड़कियां बचपन से सोचती है अच्छा मेरी शादी होगी मैं ये पहनूंगी वो मुझे क्यूट लगता है बहुत प्यार है। हर किसी का अपना है, जैसे मेरा है कि अच्छा शादी है करियर भी है एजुकेशन भी है बैलेंस है yeah. कुछ लड़कियों का होता है नहीं मैंने शादी करनी है मैं mm -hmm. अपने मियाँ के लिए ये करूँगी मैं वो करूँगी ये भी क्यूट है ऐसे भी Blink लोग डिफरेंट हाँ। हर सेगमेंट में yeah. आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं yeah. लेकिन ये जो आपकी बात है ना कि इतना इम्पोर्टेंट बना लेना yeah. किसी एक इंसान को कि mm -hmm. उसके अलावा आपकी ज़िंदगी है ही नहीं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ आई थिंक स्टेम्स फ्राम वेन यू आर ग्रोइंग अप और आपको अपनी कोई पहचान नहीं दी जाती जब आपको अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं दी जाती तो आप अपनी आइडेंटिटी किसी और को बना लेते हो oh. और फिर आप उन okay. इंसान में अपना मतलब अपना मकसद अपनी ज़िंदगी ढूंढते हो क्योंकि आपके अंदर आपको कुछ पावर नहीं दी जाती hmm. तो जब आप अपनी बेटी को बचपन से ही बताओगे कि उस घर में ये करना उधर ये करना उधर वो करना वो तुम्हारा सब कुछ है वही है वही है जब आप उसको अपनी ग्रोथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटल इंडिपेंडेंस मेंटल ग्रोथ फ़िजिकल ग्रोथ के बारे में नहीं सिखाओगे तो उसके लिए तो वही वो ही खुदा बन जाता है hmm. जो हमारा है कि अच्छा मियाँ yeah. मियाँ 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 का ये hmm. मियाँ का वो मियाँ का विच इज़ नॉट रॉन्ग लेकिन गलत तब होता है जब आप अपने आप को ख़त्म कर देते hmm. हो किसी और के लिए yeah. आपकी अपनी ज़ात है और वो भी है एंड यू बोथ आर क्ल इन अ मैरिज सो इफ़ यू फॉल डीपली इन लव वि मिस्टर डार्सी जैसा कोई आ जाए और दाना नीर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिर एक करियर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल हो गया क्या करेंगी आप इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन द टू देखें मुझे आई डोंट थिंक मुझे कभी भी किसी ऐसे इंसान से प्यार होगा जो अंडरस्टैंडिंग ना हो क्योंकि मेरे लिए मैं खुद एक बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान हूँ एम्पथटिक हूँ तो मुझे भी आई विल फाइंड समी अल्लाह करे अल्लाह करे, करे ख्वाहिश mm -hmm. है हु इज़ एज़ अंडरस्टैंडिंग एंड एज इफ नॉट मोर तो अगर उसको नज़र आ रहा है कि एक चीज़ मेरे लिए इतनी मैटर mm -hmm. कर रही है और करियर में ऐसे चॉइसेस होते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम होता है yeah. वो इंसान तो कहीं नहीं जाए वो इधर ही है अगर mm -hmm. सच्चा प्यार है तो वो कहीं नहीं जाएगा वो yeah. इधर ही है ही विल नॉट गो एनी वेयर बट आई थिंक अगर उसको बस सिर्फ ये पता चल जाए कि अच्छा इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज है hmm. तो मेरा प्यार तो कहीं नहीं जा रहा वो और जिससे आप प्यार करते हैं आप चाहते हैं कि आप उसको खुशी दें और वो खुश रहे तो आप उसको उसकी खुशी को उसके पास लाने की कोशिश करें बिल्कुल तो बस एक छोटी सी ये कॉन्वर्सेशन थी छोटी तो नहीं काफी लंबी हो गई जिसमें हम एक कॉन्वर्सेशन कोई भी हमने डिसीजन नहीं लिया है कोई हमने जजमेंट uh, नहीं पास किए कि जो करियर चूज़ कर रहे हैं वो बुरे हैं जो शादी चूज़ कर रहे हैं वो बुरे हैं हम एक कर रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए बैलेंस होना हेल्दी बैलेंस होना चाहिए बिटवीन करियर एंड शादी एंड गोइंग फॉरवर्ड के uh, मर्द हजरात भी अपने, अपने, अपने अपनी अपनी जिंदगी मुझे तो लगता है अपनी जिंदगी में उनकी जितनी भी लड़कियाँ है ना लाइक कजन दोस्तें बहन

तरीके से उनको समझाएं उनको बताएं yeah, yeah. कि ये ऐसे नहीं है एक छोटा सा एक छोटा सा वो था फ्यूचर में क्या है आई यू स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं आपको आई यू कंसिडरिंग एनी स्क्रिप्ट्स क्या चल रहा है या गाना रिलीज होने वाला है क्या हो रहा है बिट ऑफ बोथ गाना अच्छा अब मेरा ये है क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट फ्राम अ म्यूजिकल फैमिली और मीडिया फैमिली एट ऑल तो गाना आवाज़ अच्छी होना सिर्फ काफ़ी नहीं होता yeah. गाना बनाने के लिए आपको म्यूजिकली टैलेंटेड होना बिल्कों, पड़ता yeah. है यू शुड नो कि अच्छा यहाँ पे ये यह बजना mm -hmm. चाहिए तो वो मुझे अब जो पता चला इट्स ए वेरी रिगरेस लर्निंग प्रोसेस फॉर मी तो गाना इज़ इन प्रोसेस मतलब okay. मैंने एक अपना बड़ा दिल से एक जो आई है आवाज़ yeah. वो मैंने आई आई एम ट्राइंग टू मेक इट इट्स इन द प्रोसेस तो वो इन जब अल्लाह बेहतर समझे और जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है आई एम गेटिंग स्क्रिप्ट अलहमद लाला एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम आई एम ग्रेटफुल दैट पीपल आर कंसिडरिंग मी फॉर देयर वर्क अभी तो फ़िलहाल आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग नॉट वर्किंग इन एनी एक्टिव प्रोजेक्ट राइट नाउ अभी मैं आई आई एम गोइंग टू माई क्लासेज यूनिवर्सिटी तो वो mm -hmm. एक ऑलरेडी एक हेक्टिक सी चीज़ है बट mm -hmm. आई एम ओपन टू ऑप्शन अगर फ्यूचर में इफ़ आई गेट अ स्क्रिप्ट और ये कभी आई डोंट नो वाई लेकिन अगर मुझे ना लगता है लोगों को ये बड़ी एरगेंट बात लगती है अगर मैं कहूँ कि अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आया तो करूंगी yeah. मुझे सिर्फ यह है कि मैं ऐसा स्क्रिप्ट नहीं करना चाहूँगी जिसमें मैं कुछ एथिकली या मॉरली रॉन्ग चीज़ें समझती हूँ वो विच गो अगेंस्ट वट आई बिलीव जैसे अगर मार पिटाई yeah, yeah. वाली चीज तो yeah, yeah. वो ऐसी yeah. चीज है जो विच आई विल मतलब अगर कुछ ऐसा yeah. आया तो आई विल भी लाइक आई एम गोड थैंक यू बट अगर कुछ अच्छा स्क्रिप्ट जिससे सोसाइटी को कुछ सीखने को मिल रहा है कुछ कंट्रीब्यूट mm -hmm. हो रहा है आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट लाइक दैट मुझे ये नहीं है कि मुझे लीड ही मिले या मुझे mm -hmm. ये और वो अच्छा स्क्रिप्ट हो जिससे कोई लर्निंग हो और जरूरी नहीं है कि कोई मंटो के उस पर आप mm -hmm. लिख के लाओ तो मैं कहूँगी वो फिलासफर जैसा कोई फिलासफी के बारे में नहीं फनी yeah. स्क्रिप्ट भी हो कितनी दफा ये अब कॉमेडी में आप मेरा कैरेक्टर कॉमेडी yeah. में कितनी चीजें इस तरह समझा देता yeah. है कॉमेडी आपको कितने आसानी से एक मैसेज अक्रॉस करती है But a good script which people, when you look at it, you're like, oh, okay, you mm -hmm. learned from it, at this, this, essay So most definitely, why? Matlab, I genuinely enjoy acting. I've learned, mm -hmm. I really enjoy it, so why not? CSS CSS still Oh, most Focus definitely, man. most definitely. Why CSS? Why not Army? आ, ये अब्बा ने, पूछा नहीं। ये अब्बा ने पूछा नहीं अब्बा अब्बा ने, अब्बा ने कॉफी के साथ ड्राइंग सिटिंग नहीं की इस पे। अब्बा ने मैं अब अब्बा बाकी जगह होती मैं तो जजबाती हो जाती हूँ फ्रेंड हो जाती भाई मैं आपको बताऊँ हाँ। मेरे अब्बा ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे खुद कहा था कि हाँ। हर माँ बाप को अपनी औलाद का पता उन्होंने कहा कि आपके टाइप का प्रोफेशन नहीं है आप तंग हो जाओगी Hmm. क्योंकि आर्मी का लाइफ स्टाइल ऐसा है ना कि आप अपने डेकरम के अलावा यू कांट डू एनी थिंग तो हर दो साल बाद हर तीन साल बाद पूरी फैमिली उठा के तो ये ये है। है। हर किसी के लिए नहीं है आर्मी लाइफ इज नॉट मेड फॉर एवरी वन एंड नॉट एवरी वन कम्प्लाई टू इट ठीक है तो मुझे अबा ने कहा कि मैं डॉक्टर अब् डॉक्टर है ही इज़ एन आर्मी डॉक्टर तो वो क्या वो डॉक्टर भी हैं आर्मी ऑफिसर भी हैं तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि आप इस लाइफ स्टाइल के साथ मेरा माइंड डिफरेंट है आई एम अ वेरी क्रिएटिव आई एम अ वेरी गो गेटर पर्सन तो उन्होंने कहा कि आप कि आपका पोटेंशल वेस्ट हो जाएगा आपकी एनर्जी mm वेस्ट -hmm. हो जाएगी आप ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किसी और चीज में जैसे आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस नाउ सो आई एम स्टार्टिंग माई ओन स्किन केयर ब्रांड Uh, कब लॉन्च हो रहा okay. uh, तो है, है तो थोड़ा सा डिले हो गया बट थिंकिंग स्टार्ट वेबरिरी फर्स्ट वीक ऑफ इज जस्ट फेबर इनशाजर सुन इनशा तो मुझे लगता है मेरी पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा यूज हो सकती है तो अब्बा ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं आर्मी ऑफिसर हूँ तो मेरी बेटी भी आर्मी ऑफिसर है मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी क्योंकि हर बच्चा अपने अपने कलर्स oh. लेकर पैदा of होता course. है कोई आप कोई डॉक्टर नहीं पैदा होता yeah. कोई इंजीनियर नहीं पैदा होता वो देखते हैं यू लर्न यू देन यू अच्छा दिस इज़ वट आई कैन डू मैंने ओ लेवल्स में साइंसिस लिए लेवल्स में बिजनेस लिया एंड आई एंजॉय बिजनेस मोर बायोलॉजी का बहुत शौक है yeah. लेकिन एक सब्जेक्ट का शौक होने से आप डॉक्टर नहीं yeah. बन जाते अगर right. मुझे बायोलॉजी पसंद है इसका ये मतलब नहीं है मुझे डॉक्टर बनना है मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था मुझे जेनविनली क्यूरोसिटी थी आई वॉन्टेड टू लर्न मोर तो आप इसी तरह एक्सप्लोर करके अपने आप को सीखते हो तो अब्बा ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा यही बनना है ही इज़ इज़ वेरी ओपन लाइक चलो दैट गुड लकी यू अलहमद ला वेरी वेरी लकी एक्चुअली वन लास्ट थिंग आप जो लोग सोशल मीडिया को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो हैं उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी और क्या बोलेंगी कि उनको किस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना चाहिए बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस देखिए मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़रा थोड़ा सा बायस्ड है ओके okay. क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि एक नीयत होती है इंसान की कि मुझे ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट बनाना है कि मैं रातों रात फेमस रात हो जाऊँ ये जो रातों रात फेमस रात होने वाला एक पागलपन है ना ये नीयत गलत है क्योंकि इसकी वजह से यू एंड अप डूइंग थिंग्स एट योर शूडेंट मेरा जो केस है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे रातों रात फेम चाहिए या मुझे वायरल होना है ना मैंने वीडियो ना, नियत ना से अपलोड की कोई वीडियो बनाई ना वीडियो ऐसी ना वीडियो ऐसी बनाई, थी। हाँ। हाँ। ना, बनाई हाँ। 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 ना नियत थी हाँ। ना अपलोड इस वजह से की वो एक डिफरेंट केस है जिसको हम बिल्कुल साइड पे रखेंगे इस कॉन्वर्जेशन में मेरा ये है कि टिकटॉक के ज़माने में लोगों का ये है कि उनको बस किसी तरह फेम चाहिए ये नहीं देखना कि अच्छी है फेम या बुरी है फेम लोग मजाक उड़ा रहे हैं लोग ताने मार रहे हैं लोग गालियाँ दे रहे हैं लोग बात कर रहे हैं बस ये काफ़ी है मैं इस चीज़ से शदीद इख्त करती हूँ अगर आपके बारे में लोग अगर आपने किसी को वजह दी है मैं ये नहीं कह रही क्योंकि लोग वैसी वजह ढूंढ लेते हैं तो उसमें वो इंसान बेकसूर है अगर आप किसी अप, लोगों को वजह दे रहे हैं न अपने बारे में बात करने के लिए गलत बात करने के लिए मुझे इस चीज़ से इख्लाफ है आई डोंट आई डोंट बिलीव इन दिस आई थिंक आपको अपने काम से अपने टैलेंट से अपने कैरेक्टर से और अपने अपने गुड डीड से यू शुड बी रिकगनाइज बाई दैट एंड नॉट कंट्रोवर्सी तो मुझे लगता है कि uh, ये जो शॉर्ट क्विक राइज टू फेम वाला जो आजकल हमारी जनरेशन में आ गया ना mm -hmm. एक ट्रेंड कि बस अभी चाहिए अभी चाहिए मिलियन फॉलोअर्स हिट करने हैं ये फॉलोअर्स चाहिए फॉलोअर्स चाहिए इसके साथ पिक्चर लेके लगा दो फॉलोअर्स मिल जाएंगे इसको टैग करो फॉलोअर्स मिल जाएंगे mm -hmm. ये एक चीज़ है जो गलत है तो मुझे लगता है कॉन्टेंट में हमारी मजबूती हमें चाहिए और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ओवरऑल पूरी दुनिया में मैं देखती हूँ ना कॉन्टेंट जो हमारा जनरेट हो रहा है ना सोशल मीडिया कॉन्टेंट उसका मैार गिरता जा रहा है Yeah. उसके जो एक क्वालिटी कंटेंट जिसको हम mm -hmm. कहते हैं ना वो डिक्रीज होती जा रही है क्वालिटी की क्योंकि हमारा है कंजम्पशन हमारी बहुत हो रही है जल्दी जल्दी बस कंज्यूम करना है कंज्यूम करना है हम माइंडलेस कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट हम माइंडफुली कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहे कि अच्छा मैं ये वीडियो पिछले घंटे से टिकटॉक पे हूँ मैंने सीखा क्या है मुझे yeah. कुछ True. क्या देखने को क्या मिल रहा है yeah. और मैं ये नहीं कह रही कि आप जो वीडियो देखो उससे कुछ सीखो yeah. कुछ वीडियोज बंदा देखता है वैसे फजूल में देखता है एंड दैट इज़ फाइन लेकिन देर शुड बी ए बैलेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा बैलेंस बिल्कुल ऑफ हो रहा है हमारा और मैं खुद भी इस चीज़ से लर्न कर रही हूँ आई वॉन्ट टू एड मोर वैल्यू टू माई कॉन्टेंट इज वेल फैशन हो मेंटल हेल्थ हो कुकिंग हो जिस तरह भी हो बट आई थिंक योर कॉन्टेंट शुड एड वैल्यू टू समबडीज लाइफ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू यू सो मच सच प्लेजर टू टू टॉक एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी हर गेस्ट से कुछ ना कुछ सीखती हूँ आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जब मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी और मैं अपने क्वेश्चंस भी फॉर्म कर रही थी तो आई ऑलरेडी न्यू दैट आई एम टॉकिंग टू समबडी जो बहुत uh, जो एक सोच रखती है लेकिन यहाँ बैठ के आपसे बात करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस सोच के पीछे भी कितनी डेप्थ है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई एम हैप्पी कि सोशल मीडिया में जो पाकिस्तान में स्टार्स आ रहे आई वॉन्ट से स्टार्स जो सोशल मीडिया में कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं और जो हमारी इंडस्ट्री में भी जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स और जो एक्टर्स आ रहे हैं वो एक सोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहे हैं मेरे मुझे मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट uh, चीज़ है बिल्कुल so,

यू नो चौकी पे चौका था थैंक यू सो मच आज कल चल रहा है ना तो मैं फोर्स की बात कर रही हूँ चलिए जी टेक केयर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू